हेलो बादल बैड बादल भैया, हाउ आर यू? मन्नू एकदम ओपी, आज भी हमेशा की तरह डीले है यार। रिस्पांस तो लेट ही मिलेगा यार, क्या बोलूँ। आईपैड पर खेलते हो आप मन्नू? अभी फिलहाल तो हाँ, पर मैं डिवाइस नया ले रहा हूँ, थोड़ी टाइम में मैं नया डिवाइस ले लूँगा। अभी फिलहाल देखा जाए तो हाँ, मैं आईपैड पे ही खेल रहा हूँ। फिलहाल तो कास्ट कर रहा हूँ, खेल भी नहीं रहा हूँ। अभी तो कास्टिंग का सीन है, मैंने मतलब अभी मैं 3 से 6 कास्ट करने वाला हूँ। मेरा भी कॉम्पिटिटिव का सीन है, तो मैं थोड़े टाइम में ही डिवाइस अरेंज कर रहा हूँ, जितना हो सके जल्दी उतना। आवाज होपफुली सही आ रही होगी। डेविल अरुण सेज हाय। हेलो अरुण, वेलकम टू द स्ट्रीम। आवाज आ रही है ना मेरी कि नहीं आ रही, एक बार वो बता दो। अगर आवाज आ रही है प्रॉपरली, अगर नहीं आ रही है तो प्लीज बता दो। क्योंकि कल क्या हुआ, मैं 20 मिनट तक कास्टिंग करता रहा, फिर पता चला कि मेरा माइक ऑफ था। मैं बोला ठीक है भाई, ये बहुत बढ़िया हुआ है, तो मतलब मजा आ गया ये देख के। चिल्लाए जा रहा हूँ, चिल्लाए जा रहा हूँ। आ रही भैया,
हाय, बस बढ़िया। फिर फिफ्टी नाइन हो चुका है, हमारा रूम 2 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली बंदे पटापट आ जाए। हेलो भैया, हेलो गोकू, वेलकम टू स्ट्रीम। भैया हम लोग क्वालिफाई करेंगे। नीरज आपकी टीम का नाम बताओ तो, आपके क्या विचार हैं? 200 हो गए मेरे, नाइस, कॉन्ग्रेट्स। स्टार्ट कितने पे है? 4 मिनट्स में। नहीं, मैं 2 पे स्टार्ट कर देता हूँ, जब 02 होता है ना तब स्टार्ट कर देता हूँ। गोकू सेज आईडीपी बता दीजिए। आईडीपी नहीं, ये रजिस्टर्ड कस्टम है गोकू। अगर तुम लोग को भी अगर खेलना है ना तो मैं तुमको लिंक दे देता हूँ, तुम लोग रजिस्टर करके खेल सकते हो चाहो तो। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो बताओ, मैं तुमको डिस्कॉर्ड का भी सर्वर का लिंक दे देता हूँ, क्वेरी पूछ लो जो भी आपको दिक्कत आ रहा है। नीरज आपकी टीम का तो नाम बताओ। स्ट्रीम में डीले होता है ना, यही दिक्कत आता है। बस दो ही मिनट बाकी है मैच स्टार्ट होने के लिए। अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी, क्या नाम से आपका? एक मिनट में देख लेता हूँ। मैं बोला था ना तुमको याद दिला देना मेरे को, मैं भूल जाता हूँ। ब्रो FYD क्वालिफाई करेगी ब्रो? रुको यार चेक कर लेते हैं। FYD ये तो रात की है ना। FYD के कितने हैं पॉइंट? FYD 9 पॉइंट है डे 1 में। भाई मुश्किल लग रहा है उनका, FYD का मुश्किल लग रहा है मेरे को। अगर आज अगर तीनों मैच बहुत अच्छे जाते हैं ना तो पॉसिबिलिटी है, पर अगर पुराने वाला ही रिस्पॉन्स मतलब जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया वही दिखाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। रोबोट गोकू नहीं, मेरे को दिख नहीं रही। एक काम करना ना, आप फिर से भेज देना मेरे को, मैं अपना आईडी लिख देता हूँ, आप फिर से भेज देना और एक बार प्लीज याद दिला देना। आपके संग कभी खेलेंगे? हाँ, मैं आईडी आपको दिया हूँ, आप एक बार फिर से भेज देना। अभी तो मेरे को रिक्वेस्ट लिस्ट में दिख नहीं रही है, आप भेज देना, मैं कर लूंगा। अगर ना करूँ तो एक बार याद दिला देना बस यार। FYD का तो भाई थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मेरे को, उनके पॉइंट्स बहुत कम है। आज तीनों मैच में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और मैच स्टार्ट करने का टाइम हो गया तो मेरे को करना पड़ेगा स्टार्ट। FND का सिर्फ एक ही बंदा है, ऐसा क्यों समझ नहीं आया? हो सकता है कोई दिक्कत होगी। 31 बंदों के साथ मेरे को मैच स्टार्ट करना पड़ रहा है, अभी भेज रहा है। हाँ भेज दो, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
यहाँ पे हम अपना पहला मैच जो कि आज इरेंगल का है उसको स्टार्ट कर चुके हैं। देखेंगे कौन सी टीम आज कितने पॉइंट निकाल पाएगी। अभी भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं। हाँ आप अभी भेज दो, मैं This is अभी a कर लूंगा। simulation game set in a virtual world and देखो does not अपने represent अलग real ही life. से, और यहाँ Please पे play थोड़ा in moderation. गंदा वाला वेदर लग गया है। कुछ टीम्स को मेरे ख्याल से Stay fit वेदर and पसंद brave ऑब्वियसली and नहीं play आएगा। responsibly. प्लेन बाद भी हमको नहीं दिखेगा, तो हमको प्लेन जब तक निकलता नहीं है तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे पता करने के लिए। मैंने बस कम किया। ये भी बंद है, फिर आवाज अपने स्नाइपर आई एक दूसरे को मार रहे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। एपेंडी मिचेल अपने टीम से अकेले आते तो उनको मैच में होगी दिक्कत। फिलहाल देखा जाए तो 31 की ही लॉबी है, तो अर्ली फाइट्स मेरे ख्याल से बंदे एंगेज आज के दिन में तो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आज है लास्ट डेट। अगर लास्ट डेट में अगर आप पॉइंट नहीं निकाल पाते और आप हैं टेबल के बहुत ज़्यादा नीचे तो आपको होगी दिक्कत। आपको चिकन डिनर विथ किल्स तो जरूर लेने पड़ेंगे अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो प्लेन पाथ निकल रहा है सेवर्नी से होके मिलिट्री बेस की ओर। सेवर्नी में भी टीम एक हाथ जो सोलो बंदे या फिर बंदे कम है वो जाना चाहेंगे। यस कूद भी चुकी है टीम। विक्टोरियस मोर्टल को देखा जाए तो वो लोग सेवर्नी की तरफ जा रहे हैं। 4 मैन है फिलहाल, उनके आसपास तो कोई भी नहीं उतर रहे, उनको कोई भी दिक्कत फिलहाल आज के लिए ड्रॉप लोकेशन पे नहीं होने वाली है। वहीं ज्यूस की टीम को देखें तो वो जा रहे हैं जॉर्ज पूल की तरफ। एफआर के बंदे भी उसी तरफ जा रहे हैं, क्लैश इनका हो सकता है। मिथिल को देखा जाए तो यासान्या हमेशा जो उनका ड्रॉप होता है वहीं पे जा रहे हैं, लूटअप करेंगे वहीं पे। आई एम कलेक्टर की भी टीम सेम जगह ही जा रही है। भाई इसमें स्कोर का क्या सिस्टम है? स्कोर का सिस्टम ये है गोकू की 4 दिन क्वालिफायर्स होते हैं। क्वालिफायर्स में जो शायद टॉप 5 या टॉप 6 टीम्स होती है उनको फाइनल में खिलाया जाता है जो कि होता है सैटरडे और संडे को। आईएम के बंदे अपना ड्रॉप लोकेशन बूट अप करते हुए, एफवाईडी की भी आज फिर से हो चुकी है क्लैश फाइट ईपीएफ के साथ, और एक और टीम जो कि टीसी की है वो भी वापस से बीच वाले कंपाउंड में उतरी है। इनका एक बंदा दूर है जो कि है गुरु, और वो है अपशॉट के बहुत ज़्यादा क्लोज। यहाँ पे 1v1 का फाइट इनका देखने को हमको मिल सकता है। गन फाइट होगी, यस यहाँ पे गन फाइट होगी। 3 टीम उतरी है पोचिंग की में साथ में, तो गन फाइट तो ऑब्वियस सी बात होनी है। यहाँ पे स्पॉट करना चाहते हैं एफआईडी के बाबा यागा बंदों को, लेट के लूट अप कर रहे हैं अपनी लोकेशन जितनी हो सके उतनी रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। पूछ चुके हैं, मेरे ख्याल से गेम साउंड आपको नहीं आ रहा होगा इतना लगे क्योंकि गेम साउंड चालू है। नाइस, ये फोन भी प्लग कर देते हैं ताकि आपको मेरा आवाज और ज्यादा क्लियर है। अब थोड़ा सा आपको आवाज और बेटर आएगा मेरा। यहाँ पे सामने की तरफ जा रहे हैं सामने एफआईडी के बंदे, बाकी जो 2 बंदे हैं, और मेरे ख्याल से एफआईडी के बंदे फॉल बैक लेना चाह रहे हैं। पॉसिबिलिटी है उनके फॉल बैक लेने की क्योंकि यहाँ पे 2 टीम्स के बीच में फाइट लेना भारी पड़ सकता है। एक एक बंदे को भी अगर खो के भले ही कंपाउंड क्लियर कर देते हैं तो भी आप ऑलरेडी 3 बंदों के साथ हैं, और 2 बंदे अगर बचते हैं तो गेम में आगे दिक्कत होगी। यहाँ पे टीसी के बंदे जो गुरु हैं वो अभी भी अपनी टीम से काफ़ी स्प्लिट हैं, और ईटीएफ को देखा जाए वहीं पे तो होल्ड कर रही है सामने। उनको पता है एक टीम है जो कि नंबर 4 की टीम है और वो टीम ले रही है किंग पिन पे शॉट्स। किंग पिन देखा जाए तो हो चुके हैं काफ़ी लो, उनके पास फर्स्ट एड नहीं है, बैंडेज ही यूज़ करना पड़ेगा इनको। सामने से वर्टॉक्स देखा जाए तो वो भी हैं। अब शॉट यहाँ पे उजी उठा रहे हैं, एक एम उजी है फिलहाल। स्क्रैप पर भी यहाँ वेट कर रहे हैं, और फीसटी देखा जाए तो स्क्वाड हाउस के नीचे होल्ड करके रखें, एक बहुत ही प्यारा टीपीपी का एंगल होल्ड करके रखें जहाँ पे कोई भी बंदा किसी को एक्सपेक्ट नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है कि एफआईडी मरेगी भाई, कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखा रहे भाई। एफआईडी के बंदे दूर हैं,
उनका तो फाइट ही नहीं है, पहले फाइट तो इनका होगा, फिर FYD करेगा थर्ड पार्टी। और गुरु को देखा जाए तो उसके पास हेलमेट नहीं है, फर्स्ट एड भी नहीं है, और TC के बाकी बंदे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। TC और ETF का पहला फाइट होगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट्स भी कंटिन्यूस एंगेज कर रहे हैं, हेलमेट इनको मिल चुका है। अब TPP का बहुत ही प्रॉपर यूज़ हो रहा है यहाँ पे। और वजीटो एक्स को देखे तो फिलहाल छत पे चढ़ चुके हैं, उनके लेफ्ट पे पर एक बंदा है, अगर जो ETF का वो बंदा है वो अच्छा एक एंगल इन पे बना देता है तो उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे ETF के एक बंदे को नॉक निकाल दिया है सामने बाना उसके तरफ, यहाँ पे टीम पुश करना चाह रही है, मेरे ख्याल से इनको साउंड आ जाना चाहिए। ओके, काउंटर नॉक भी आ चुका है तो फिर पुश तो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, बंदे स्लो डाउन हो जाएंगे। ETF के बंदे TPP अभी भी ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि अगर इनकेस पुश हो जाए तो वो भी संभाल पाएँ। FYD थोड़ी सी स्प्लिट हो रही है, शायद एंगल बनाना चाह रही है हल को पी। उन्होंने एक दिन बहुत ही प्यारा अपनी टीम के लिए 1v4 करके दिखाया था, फिलहाल तो हैं 0 किल के साथ। अगर अभी भी क्लियर आउट होते बिना किल के साथ तो 9th पोजीशन के 1 पॉइंट उनको मिलेंगे, पर मेरे ख्याल से 1 पॉइंट क्या इनफ है, मुझे नहीं लगता। इनको अबाउट सेकेंड आना पड़ेगा और 10 किल्स के अबाउट भी करने पड़ेंगे, पर सर्वर में फिलहाल उतने बंदे ही नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि 10 किल भी निकाल सकते हैं यहाँ पर ले पाएंगे कि नहीं वो तो बात की बात है। यहाँ पे अब शॉर्ट TPP लेते हुए किंग पिन उनके जस्ट ऊपर वेट करते हुए, PST नीचे हैं, स्क्रैपर भी साथ में है, किंग पिन के कोई भी मौका खुद नहीं दे रहे हैं, सामने वाले बंदों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मौका दे वो और वो इनको क्लियर कर दे। यहाँ पे नेड पिन करना चाह रहे हैं, देखते हैं कि कब आ पाएंगे ये लोग। नेड पिन किया था, यूज नहीं किया, पर अपने बंदे को फीसटी को जरूर बोलेंगे कि हमारे एंगल पे रहने के लिए ताकि ये कवर दे पाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो दिक्कत हो सकती है इनको। शॉर्ट्स का एंगेजमेंट आया है, पंक्शु को हल्का सा डैमेज भी पड़ा है, ऊपर नेड आया, क्या गुरु इस नेड से नॉक होंगे? नहीं, गुरु दीवार के उस पार थे, तो यहाँ पे शॉर्ट्स का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पंक्शु की टीम को देखे तो फिलहाल उनके पीछे FYD के भी बंदे आ चुके हैं और इनका होने वाला है गंदा क्लैश फाइट। इनकी फाइट यहाँ पे चल रही है, नेट्स का एंगेजमेंट और पीछे से बहुत ही गंदे फंसे हैं FYD के बंदे। एक बंदे और नॉक खाया है इन्होंने और गलत जगह पे खाया है नॉक, हल्क OP के लिए बचाना होगा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। यहाँ पे नंबर 4 की टीम पुश दे रही है इन पे और मेरे ख्याल से ETF भी करना चाहेगी थर्ड पार्टी, आई थिंक सो, यस दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू अ थर्ड पार्टी। नो मर्सी यहाँ पे रिवाइव तो हो रहे हैं, क्लियर होना चाहेंगे। फॉल बैक FYD को यहाँ से ले लेना चाहिए थोड़ी सी ऑफ पोजीशन पे, अगर वो क्लियर होती है तो फिर ETF भी थर्ड पार्टी कर देगी, इन केस अगर क्लियर कर भी जाते हैं लोग बंदों को, TC के बंदों को, तो भी उनको होने वाली है बहुत ज़्यादा दिक्कत। देखते हैं कौन मरेगा, देखते हैं कौन मरेगा। ATF टीम को डर लग रहा है, ETF टीम को डर लग रहा है, लगना चाहिए, बट बहुत कॉम्पिटिटिव लॉबी है। हाँ अभी लास्ट डेट है तो ऑब्वियसली बात है बाकी बंदे ट्राई हार्ड भी करेंगे, पर फिलहाल 31 ही बंदे आए हैं मैच में, आज बंदे कम आए हैं। कॉम्पिटिटिव लॉबी तो है पर बंदे कम है, बंदे कम है, दिक्कत वो है। यहाँ पे नंबर 17 की टीम स्प्लिट में होके लूट रही है शांति से,
पापा काल की टीम को देखा जाए तो अपने टीममेट के साथ ये भी लूट अप कर रहे हैं, बाकी दो बंदे ड्रॉप की तरफ जा रहे हैं। मिथिल शांति से यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, या सान्या में लूट अपना कंप्लीट करके। आई एम कलेक्टर की टीम इस बार अच्छा कर रही है, दो गाड़ी में घूम रही है, हो सके तो चार भी ले ले तो बेटर रहेगा। मौली पॉप किया है यहाँ पे, गुरु के ऊपर डाला है, क्या गुरु को डैमेज पड़ेगा? नहीं, गुरु को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। और एफ आई डी यहाँ पे बीच में फंस गई है और ये लोग कर दिए फॉल बैक, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था इनकी टीम के लिए। अब फिलहाल अगर फाइट एंगेज होती है तो या तो ETF करेगी थर्ड पार्टी, या तो TC की टीम करेगी थर्ड पार्टी, जो कि पहले FYD की टीम करने वाली थी, पर वो अभी वो खुद ही फंस गई बीच में। भाई FYD के लिए बहुत ख़राब लगा मुझे, TC की टीम ने बहुत प्यारा रोटेशन दिया, पर यहाँ पे दो बंदे इनके जो है ETF की टीम के बंदे वो भी स्प्लिट हो रखे, उन्होंने भी एंगल बनाना चालू कर दिया है। पर जो एक बंदा है जो कि अब शॉर्ट फिलहाल छत पे लेटा हुआ है, अगर इनके लेफ्ट साइड अगर कोई बंदा आ जाता है तो इनको दिक्कत हो सकती है, वरना ये बहुत ही प्यारा एंगल है। अगर आप एक क्रुशियल नॉक, शुरुआत का जो नॉक होता है ताकि आपकी टीम को एंट्री मिल सके पुश करने के लिए, वो निकाल सकते हैं आप। FYD अभी भी फंसी हुई है, सामने से TC के बंदे उनको पिन करके रखना चाह रहे हैं, निकलने नहीं देना चाहेंगे कंपाउंड से, दिक्कत इनको ज़रूर होगी। और पहली बार जब इन्होंने फॉल बैक लेने का सोचा था तब भी अगर थोड़ा सा अच्छा होल्ड दिखाते तो भी इनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर अभी दो तरफ से फंस गए ये लोग। अगर TC वाले और रोटेट करके स्पाई हाउसेस की तरफ जाते हैं तो फिर क्या और दिक्कत नहीं होगी इनको, बताओ मुझे। गुरु मेरे ख्याल से वो काम ऑलरेडी करना चालू भी कर दिए, यस उन्होंने ये काम पहले ही कर दिया, मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने वो एक्शन चालू भी कर दिया है। यहाँ पे FYD को पूरा तरीके से फंसाया जा रहा है, नो मर्सी देखा जाए तो एक अच्छी पोजीशन पे हैं, पर और अपनी टीम को भी बुलाना चाह रहे हैं, मार कर रहे हैं अपने बंदों के लिए कि वहाँ पे बंदे, और यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर दोनों टीम से होके थोड़ा और जाएंगे, एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे कि तो दोनों तरफ से अगर फाइट भी लेनी पड़े तो इवन फाइट ले पाए। वहीं FR के बंदे को नॉक किया गया है, यहाँ पे FR के बंदे ये रहे, नंबर 16 की टीम के एक बंदे को पहले ही फिनिश कर दिया गया था, दूसरे बंदे पे आ रहे शॉट, और FR के ओमनी के लिए यहाँ पे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल, और फिनिश भी कर दिया है सामने SE की टीम ने जो कि ज्यूस की टीम है, पकड़ा था बंदों को ओपन में छत में और नॉक फिनिश किया गया है यहाँ पे। खपटी देखा जाए तो अपनी टीम से अकेले बंदे बाकी हैं, स्मोक में फिलहाल तो लूट रहे हैं, इनको कवर में भी जाना रहेगा। अभी मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, दिस इज डन, स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते। कपटी देखा जाए तो सामने स्काउट करना चाह रहे बंदों को, स्पॉट होंगे तो क्या पता नॉक भी निकालेंगे, और पर फिनिश ज़्यादा बेटर तरीके से करना चाहेंगे। FYD ने नॉक निकाला है यहाँ पे ETF के बंदे को, और मेरे ख्याल से कंफर्म भी उनको जाना के करना चाह रहे हैं, अब शॉर्ट यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे, उनके लिए बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल। वहाँ पे TC की टीम थर्ड पार्टी कर रही है, गोकू ने FYD के एक बंदे को किया है नॉक, क्या हल्को भी बच पाएंगे? हाँ हल्को भी बच तो जाएंगे, पर बाबा यागा को भी फॉल बैक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे दो टीम्स आपस में भिड़ती हुई, ETF और नंबर 4 की टीम जो कि है TC की टीम, तो यहाँ पे फ़िलहाल तो उतना सिनेरियो गंदा है नहीं FYD के लिए, रिवाइव हो जाएंगे, कवर में भी आ जाएंगे, पर नंबर 4 की टीम तुरंत पुश भी कर रही है इन पर, अगर नेड का एंगेजमेंट घर पे दिखा तो दिक्कत हो सकती है। एक नॉक निकाल के वो पुश ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे बंदे उतने नहीं हैं कि हम पुश करके ना मार पाएँ, ऑलरेडी वो नॉक्स निकाल रहे हैं, उनको पता है तीन बंदे रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे। नंबर 4 की टीम का एक बंदे को उन्होंने पीछे रखा है, बाकी तीन बंदे FYD पे पुश कर रहे हैं, साउंड आ जाना चाहिए कि राइट पे बंदा है यहाँ पे। हेलो हेलो माजिन, वेलकम टू स्ट्रीम, आज तो आ रहा है ना आवाज कि अभी भी आवाज नहीं आ रहा। यहाँ पे बाबा यागा जो है होल कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि उनको स्पॉट हो बंदा और फिर नॉक निकाल सकें। पंक्षु का उनको भी पुश स्टेप आ चुका है, उसी तरफ स्काउट करना चाह रहे हैं, पर एक अलग पीक का उनको सीन कहीं नहीं दिख रहा। अपशॉट को इन्होंने खोया,
और अपशॉट को खोने के बाद इनको निकलना सही लगा। ज्यूस ने पुश किया वहाँ अपार्टमेंट की जगह पे और फिनिश कर दिया है। जो एफआर की टीम है उसको आईएम के बंदे यहाँ पे स्क्वाड हाउस होल्ड करते हुए अपने बंदों के साथ, उस वाले स्क्वाड हाउस को आईएम का दूसरा टीम होल्ड कर रहा है। आईएम के बंदे यहाँ पे साथ में ही होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे फाबा काल की टीम को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्प्लिट है, बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट होकर लूट कर रही है। मिथिल यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं कंपाउंड में यासाने के ऊपर वाले जो जोन में। और अब यहाँ पे सिर्फ दो टीम का फाइट हो गया है। बीबी स्लीव आ गए, अभी संभाल के उसको ना कहीं जगह पे रखना यूज़ करने के बाद। यहाँ पे कंटिन्यूस मूवमेंट दिखाया जा रहा है। बीबी माइक बंद है, नाइस, होल्ड कर रहे हैं, नहीं है बंद। बाबा आ गए यहाँ पे स्पॉट के नचा रहे बंदों को। मैं पहले ना बोलने से पहले मैं चेक किया इसकी माइक बंद है चालू है। ईटीएफ के बंदों को यहाँ पे व्हीकल की ज़रूरत है, उनको कंपाउंड की जगह एक अपने लिए व्हीकल पहले ढूंढना चाहिए, फिर रोटेशन चालू करना चाहिए, तो उनको एंड ऑफ द जोन बहुत ही फ़ायदा होगा। और एफआईडी की फ़ाइट जो एकदम स्लो फाइट है पुशिंग की में, वो अभी भी धीरे धीरे चलती हुई, देखेंगे यहाँ पे इनकी फ़ाइट और कितनी देर चलेगी, क्योंकि जोन के बाहर ज़्यादा देर तक रहना इनको भारी पड़ सकता है। टीपीपी अभी भी लिया जा रहा है, वेट कर रहे हैं। और ज्यूस की टीम जोन के अंदर जाना चाहेगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे दो किल तो अपने लिए टीम के लिए निकाल चुकी है एफआर के बंदों के अगेंस्ट। एफआर के बंदों को मारा था यहाँ पे, निकाला था अपने लिए किल। अब इनके पास दो बग्गी है मेरे ख्याल से। और क्या बाकी बंदों के पास व्हीकल है? यस, बाकी बंदों के पास भी एक एक व्हीकल है। और वो लोग नॉर्थ वाली सिटी से जाना चाह रहे हैं। और एफआईडी ने नॉक निकाला है टीसी के अगेंस्ट, वापस से चलते हैं पोचिंग की में एफआईडी के ऊपर। यहाँ पे नॉक कहाँ निकाला है? ओके, नॉक घर पे निकाला है। यहाँ पे कवर देने की पूरी ज़रूरत है अपनी टीम को। गुरु के जस्ट सामने है बाबा यागा, इनको जल्दी से जाके उनको फाइट लेनी पड़ेगी, वरना इन पे बन जाएगा बहुत ही प्यारा एंगल और फिर होगी इनको काफ़ी दिक्कत। राइट पे इनके बंदा है, क्या इनको पता है? शायद इनको नहीं पता है कि इनके पता है कि जस्ट राइट पे बंदा है, पर अभी गलत डिसीजन में यहाँ पे रहना इनको दिक्कत दे सकता है। जल्दी क्लियर भी करना है, अपनी टीम को बचा पा रहे हैं कि नहीं देखते। पंक्शु यहाँ शायद बच जाएंगे गुरु के द्वारा, शायद यस वो बच जाएंगे, क्योंकि बाबा यागा यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। पर काउंटर में नो मर्सी ने भी नॉक दे दिया है, तो यहाँ पे दो बंदों को रिवाइव फिलहाल करना है टीसी की टीम को, और एफआईडी को भी अपने एक बंदे को करना है। यहाँ पे हल्को पे रिवाइव करने के लिए जा रहे हैं, पूरा रोटेट करके जाएंगे, देखेंगे ट्राई करेंगे बिना डैमेज खाए रिवाइव कर पाए। प्रो और वॉट, अब स्लीव्स का को संभालना पड़ेगा, टेंशन। नाइस, क्या बोलूँ मैं, फ़ोन के आसपास रख कहीं टेबल वेबल पे, मेरे तो बिस्तर पे ही रहते हैं और मेरा बिस्तर पे कोई कुछ हाथ लगाता नहीं है, तो फिर दिक्कत नहीं आती। बिस्तर पे ही रहता है लैपटॉप के आसपास, लैपटॉप या टैबलेट के आसपास। यहाँ पे बाबा यागा बहुत ही लो हैं, उनके पास क्या हीलिंग नहीं है? नहीं, उनके पास हीलिंग है, वो जस्ट हील कर रहे थे। दो फर्स्ट एड और भी है, थोड़ा देर और जोन के बाहर सर्वाइव कर सकते हैं। वजीटो एक्स को देखा था तो 24 बैंडेज इनके पास। और टीसी के पंक्शु हो चुके हैं जोन से नॉक, और उनको एफआईडी के बंदों ने कर दिया है फिनिश। गुरु को भी नॉक फिनिश दे दिया गया है यहाँ पे, एफआईडी के दो बंदे नॉक हैं यहाँ पे। वजीटो एक्स और इनको देखा जाए तो इनका 2v2 का ही फिलहाल फाइट है। अगर यहाँ पे फाइट 2v2 का अभी तो है, रिवाइव हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। सामने से वजीटो एक्स आ रहे हैं, यहाँ पे गलत जगह पे एडिया सपना रखा और उसका भुगतान इनको भुगतना पड़ा। क्लियर हो चुके फिलहाल, और मेरे ख्याल से टीसी की पूरी टीम फिनिश नहीं हुई है, एक बंदा बाकी है, बैंडेज यूज़ कर रहा है। बाबा योगा दिखा जाए तो सामने 1v2 का इनका सिचुएशन है। हल्क पूरा रोटेट करके आ रहे हैं और इनके पीछे आ चुके हैं हल्क, उनके पीओ पे चलते। बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था हल्क ओपी को, पर हल्क ओपी ने एम चौक नहीं किया। फिलहाल जोन से क्या ये नॉक होंगे? नहीं, उनके पास इनफ टाइम है हील करने के लिए। और एबी की फाइट हो चुकी है ईटीएफ वाले बंदों से,
ETF वाले बंदे को यहाँ पे ओपन में पकड़ा है अभी ने। यहाँ पे फीस्टी को करना पड़ेगा अपने बंदे को रिवाइव। यहाँ पे स्मोक पॉप कर रहे हैं, स्क्रैपर को बचाना चाहेंगे ताकि उनका यूज़ बाकी मैच में आगे भी हो सके, और आईएम के बंदे यहाँ पे रिवाइव करने में दे रहे हैं दिक्कत। शॉर्ट कंटिन्यूस लिए जा रहे हैं, फीस्टी पे भी रिवाइव नहीं चाहते कि वो कर पाए यहाँ पे स्क्रैपर को। एक एचपी हो चुके हैं, फीस्टी खुद भी क्या, उनके पास फर्स्ट एड भी नहीं है। स्क्रैपर को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अगर एक भी बुलेट ये खा लेते हैं तो गिर जाएंगे। अपने टीममेट को थोड़ा और पीछे इनको बुलाना पड़ेगा अगर रिवाइव करना चाहते। तो किंग पिन को देखें तो किंग पिन एंगल तो बना के रखे हैं, पर उनके पास मेरे ख्याल से प्रॉपर व्हीकल वेपन नहीं है कि वो यहाँ पे नॉक निकाल के अपनी टीम को कवर दे पाएँ। अभी भी शॉट्स दिए जा रहे हैं उन पे, रैंडम शॉट्स देना चाह रहे हैं बंदे पे। यहाँ पे रिचक्लिस की वजह से जो स्क्रैपर हैं हल्का सा दिख रहे हैं, बुलेट पर कनेक्ट नहीं हो पाएगी को देखा जाए तो। बूस्ट करके फिलहाल इनको जाना पड़ेगा, इनके पास 7 बैंडेज तो है, तो हील फिलहाल के लिए तो हो जाएंगे पर बाद में आएगी दिक्कत। हल गोपी को देखा जाए तो भागना चालू कर चुके हैं जोन की तरफ, व्हीकल अपने लिए ढूंढ के जाना चाहेंगे। भाई मैं आ गया, अरे अरे भाई आदित्य भाई, आप तो पूरा टाइम ही रहते हो भाई, पर मैं ही कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ, क्या बोलूँ मैं बताओ। अभी एफएनडी मिथिल जो है जहाँ पे आए थे वहीं पे अभी भी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनका जोन थोड़ा फेवर कर रहा है एज का। एक उनके पास सिंगल घर है, उनके पास शायद व्हीकल के नाम पे बाइक है, पर फिलहाल के लिए उनको कहीं जाना भी नहीं है तो उनको दिक्कत अभी तो नहीं होगी। यहाँ पे पापा गाल की देखा जाए तो सामने बंदों को स्पॉट करें, डीपी लेके क्या नॉक करेंगे यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आयन सरपंच को नॉक निकाला है किंग पिन ने, ये वाला मेरे को देखना है। इतना हार्ड पिक क्या फ़ायदा होने वाला है? नहीं फ़ायदा नहीं हुआ, और जोन के बाहर किंग पिन ने निकाला है नॉक। फिनिश भी करना चाह रहे हैं, एडी यहाँ पे जोन के बाहर नॉक हो चुके, तो दो बंदे इनके नॉक हो चुके हैं। एक ही बंदे को रिवाइव करना, एक बंदा रिवाइव हो चुका है। यहाँ पे सरपंच तो डेड है, किंग पिन को देखा जाए तो उन पे व्हीकल नहीं है और दूसरे बंदे के भी व्हीकल को फोड़ना चाह रहे हैं। पीस्टी जोन की तरफ निकल चुके हैं, उनके पास हीलिंग कुछ भी नहीं है। अगर ये जोन के बाहर नॉक होते तो इनका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एफआईडी का क्या होगा भाई? एफआईडी फिलहाल तो जिंदा बच गई है, अगर थोड़े से और किल निकाल ले तो फिर, और चिकन भी लेती है तो चांस उनके भी हैं। आज अगर तीनों मैचेस में वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते तो उनके भी चांस हैं, क्योंकि जो वो टीम थी ना, क्या बोलते हैं ये, अफ्यू अफ्यू सिर्फ 2 दिन खेली है और 2 दिन में उनने इतने पॉइंट ले लिए हैं कि वो लोग टेबल टॉप कर रहे हैं। अगर आज एफआईडी उस तरीके से खेलती है तो उनका भी हो सकता है, होने में उनको भी दिक्कत नहीं होगी, पर उनको परफॉर्म उस कदर हाई परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा अभी के लिए। पर फिलहाल तो वो जोन के बाहर ही स्ट्रगल कर रहे, जोन भी नहीं जा पा रहे हैं। ETF को देखा जाए तो उनको एक व्हीकल मिला है उनके टीममेट को, और ये व्हीकल लेके उनको तुरंत ही जाना पड़ेगा। फ्यूल नहीं है यहाँ पे, नाइस, इनको निकलना पड़ेगा जल्दी जोन के लिए पैदल पैदल। आप गलत जगह जा रहे हैं भाई फीस्टी भाई, आप बहुत ही ज़्यादा गलत जा रहे हैं, आप जोन से मरोगे लग रहे हैं मेरे को। स्क्रैपर के पास भी हीलिंग नहीं है, किंग पिन के पास व्हीकल तो है, बूस्ट करके जाना चाह रहे हैं, और फीस्टी को देखे तो वो भाग ही रहे हैं। मुश्किल है इनका बचना मुझे लग रहा है, बंदे अगर आ जाते हैं गाड़ी लेके तो बच भी सकते हैं। FYD नुबरा है भाई, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा, हर टीम का प्लेइंग स्टाइल अलग होता है और उनका पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हैं वो। खेलना सीखेंगे नेक्स्ट टाइम, और अच्छा परफॉर्म करना चाहेंगे। आईएम की टीम बेस्ट है, आईएम की टीम भी परफॉर्म टॉप पे नहीं कर रही है, मैं बेस्ट तो नहीं बोल सकता। बेस्ट अगर इस वाले ग्रुप में बोले ना तो ETF की टीम सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है मेरे अकॉर्डिंग। ETF की टीम एकदम एकदम टॉप पे पर अभी है, अगर मेरे को इस ग्रुप की बात अगर आप पूछते हो तो। पापा काल भी यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे रोटेशन बुला रहे हैं अपने टीममेट्स का। ज्यूस की टीम को देखा जाए तो 4 मैन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बाहर की तरफ सिंगल घर में रुके हैं, अगर ये लोग यहाँ जाते हैं पेट्रोल पंप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ मिथिल अपनी जो कूप है उसके साथ जोन के एच पे फिलहाल लेटे, पर जोन के बाहर हैं तो उनको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा।
हल्कोपी को मेरे ख्याल से हीलिंग मिल चुकी है। यस, इनको हीलिंग मिल चुकी है। हल्का सा लूट करके जोन जाना चाह रहे हैं। बाबा यागा के पास यहाँ पे पर हीलिंग नहीं है। बैंडेज अभी 5 मिली है, इनको जल्दी से लगा के जाना पड़ेगा क्योंकि उनसे अभी भी जोन काफ़ी दूर है, 370 मीटर इस सर्कल के। ओके, बग्गी मिल चुकी है, बग्गी मिल चुकी है, तो मेरे ख्याल से जोन में जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। स्क्रैपर को देखा जाए तो इनके पास किसी के पास हीलिंग है ही नहीं, तो अपने टीममेट को कैसे देंगे। आईएम के बंदों की फाइट हो चुकी है एससी के साथ। यहाँ पे जो ये बंदे नंबर 17 की टीम पे ये शॉट्स ले रहे हैं, और वेक्टर से आप उतना दूर शॉट्स क्यों ले रहे हैं भाई, उतना दूर गोली लगेगी नहीं। ईटीएफ हैकर है, उन लोगों को बोलना स्क्रीन रिकॉर्डिंग देने। ईटीएफ नहीं है हैकर, वो तो इनवाइटेड टीम है। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग उनके पास अगर अवेलेबल होगा वो दे भी देंगे। किस सेंस में अगर आप हैकर बोल रहे हो, अगर मेरे को बताओगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। सामने आईएम के बंदे फिलहाल 4 बंदे होल्ड करते हुए सेम ही घर में, और मिथिल को वीएसएस से फिनिश कर दिया हर्षु ने। बाबा यागा यहाँ पे हो चुके हैं जोन के बाहर नॉक। बग्गी लेके भी आपको सीधी जानी थी, यहाँ से जाना था आपको, पूरा घूम के क्यों जा रहे थे भाई आप। आपके पास क्लोज में एंट्री थी फिर भी आप बाहर से गए हैं, जबकि आपके पास हीलिंग भी नहीं है। मेरे को उसका सेंस समझ नहीं आया। आप लॉस भी खा चुके हैं, अभी आपके 5 ही किल पॉइंट है, आपको चिकन डिनर भी रिक्वायरमेंट है अगर आपको आज के दिन में शायद क्वालिफाई करना है। तो पॉइंट टेबल तो कल तक आ जाएगा, वहाँ पे दिख जाएगा कौन क्वालिफाई करेगा नहीं करेगा, पर अगर रिक्वायरमेंट था चिकन डिनर का तो आपको ज़िंदा बचना बहुत ज़रूरी था। हल्कोपी यहाँ पे जोन के बाहर पैदल रोटेट कर रहे हैं। आईएम के बंदे यहाँ पे हैं, ईटीएफ के बंदे निकल चुके हैं जोन की तरफ, और उनकी फाइट हो चुकी है यहाँ पे हर्ष की टीम के साथ। यहाँ पे आईएम के बंदों को नॉक किया गया है, पापा काल को नॉक निकाला है यहाँ पे ईटीएफ के बंदे ने, और फिनिश भी करना चाह रहे हैं। किंगपिन और फिस्टी को देखे तो एक ही कवर में है फिलहाल, और इन पे कंटिन्यूस नेड आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा सब्र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर्षु देखा जाए तो रिवाइव करने आ रहे हैं अपनी टीममेट को, स्मोक पॉप कर दिए राइट से, पर इनको पढ़ क्यों नहीं दिया मेरे को समझ नहीं आ रहा। राइट ऊपर घर पे बंदे थे, वो लोग वहाँ से निकल गए, नाइस। आईएम के बंदों को भी जोन जाने की ज़रूरत। एक हेड कनेक्ट किया, बहुत ही प्यारा स्प्रे कनेक्ट किया है एडी ने, दो बंदों को बहुत ही प्यारा गिराया गाड़ी से। और यहाँ पे इनका फाइट हो चुका है 2v2 का आईएम के बंदों के साथ, नेड कर रहे हैं, नेड पर खुद हो चुके फिलहाल काफ़ी लोग। एक बहुत ही प्यारा हिप फायर दिया पर उतनी बुलेट कनेक्ट नहीं कर पाए। सामने वाले बंदे कर रहे हैं इनको नॉक फिनिश, और दूसरे बंदे को भी फिलहाल कर दिया गया है क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट एड पॉप करेंगे आईएम के बंदे और जोन में जाना चाहेंगे। ईटीएफ के बंदे यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए होल्ड करने के लिए गाड़ी फोड़ के अपना कवर बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे खुद के पास कुछ भी हीलिंग नहीं है, इनके किसी भी टीममेट के पास हीलिंग नहीं है। राइट से एक बंदा आ रहा है, अगर यहाँ पे एक भी बुलेट कनेक्ट कर जाता है तो दिक्कत हो जाएगी, और जिराया ने तो पूरी एमके ही भर दी। यहाँ पे पापा इनको हो रही है थर्ड पार्टी ऐसी की टीम के द्वारा, यहाँ पे पूरा कवर दिया जा रहा है ऐसी की टीम के द्वारा। दो नॉक ऑलरेडी निकाल दिए इन्होंने, और ऐसी की टीम हो चुकी है अब दिक्कत में, क्योंकि जो हर्षु हैं वो फिलहाल नॉक है, ब्लीड आउट भी हो जाएंगे लग रहा है, और यहाँ पे जिराया भी होने वाले हैं फिनिश। इनका एक ही बंदा बाकी है जो कि है विक्टोरियस मॉडल, और कोई भी नहीं यहाँ पे। बहुत ही प्यारा फिस्टी को स्पॉट किया है और कर देंगे फिनिश इनको भी, पर यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा। यहाँ पे स्मार्ट मूव दिखाया है, ऊपर की तरफ चढ़ गए, पर दूसरी तरफ से नंबर 17 की टीम इनको जीने नहीं दे रही है। देखा जाए तो एक वेस्ट पे अगर इनकी बुलेट लग जाएगी अब तो फिर डेड हो सकते हैं। यहाँ पे स्मोक करना चाह रहे हैं सामने से स्क्रैपर आगे, पर इनको कर देंगे क्लियर। लूट अप करेंगे ईटीएफ की टीम, अपने बंदों के लिए सामान उठाना चाहिए। आईएम के बंदे देखा जाए तो नॉक हैं, कलेक्टर रिवाइव कर रहे हैं दूसरे बंदे को, फिर गाड़ी भी है इनके पास तो दिक्कत नहीं होगी, पर पूरा ओपन में बना है जोन, एक हल्का सा रिज है इनके पास बस, और कवर बना के रुकना चाहेगी। नंबर 17 की टीम देखा जाए तो कंटिन्यूस शॉट्स अभी भी लेना चाहते हैं राइट में आईएम के बंदों को, जोन के अंदर नहीं जाना देंगे। गाड़ी इनके पास है, पर अगर एक ही गाड़ी में दोनों बंदे जाते हैं तो क्या इनको दिक्कत नहीं होगी, क्या सोचते हो आप। यस, एक ही गाड़ी में निकलना चालू कर रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो बीस्ट को भी जोन में जाना है, सामने से गाड़ी जा रही है, स्प्रे देना चाह रहे हैं पर रुक गए, उनको लगा कि वो उतनी वे में डैमेज नहीं दे पाएंगे। जोन में एंट्री ले लिया है आईएम के बंदों ने,
एक पत्थर पे ठोक दिए गाड़ी, स्मोक पॉप करना तुरंत पड़ेगा वरना राइट लेफ्ट से इनका बनाया जाएगा सैंडविच बहुत गंदा। स्मोक जल्दी से आप पॉप कर दो भाई, यहाँ पे पेटी बनने वाली है अगर तुरंत। यहाँ पे एक स्मोक आपकी अवेलेबिलिटी नहीं थी उसकी वजह से पेटी बन गई। 3v2 का फाइट है यहाँ पे, ETF के बंदे और जो ये बंदे ज्यूस के बंदे, ज्यूस के बंदे जोन में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और ETF को देना चाह रहे हैं बहुत ही प्यारा दिक्कत। मुठल को देखा जाए तो ETF के बंदे रोटेट करते हुए डैमेज खा रहे हैं, उनसे फीस्टी को नॉक भी किया गया यहाँ पे और फीस्टी को तुरंत कन्फर्म करना चाह रहे हैं। उसका फ़िलहाल तो रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है, आप खुद ही गलत जगह जा रहे हैं। स्क्रैपर यहाँ पे ओपन में लेट गए थे और जो ज्यूस की टीम है वो निकाल चुकी है चिकन डिनर। टॉप सिक्स या टॉप फोर कितनी टीम्स क्वालिफाई होगी? एक मिनट मैं बिल्ला को ही पूछ लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ डिस्कॉर्ड है। All I know, all I know, loving you is when you sing you. स्टार्ट कर दूं? लॉर्ड जुलियन मेरे पास टीम है, आप टीम है इनका तो आप ठीक है। तो जनरल कौन सी है, कौन सी है ये ड्रेस अप है, ये सब सब कौन सी ड्रेस है? स्टार्ट करूं क्या भैया? फिर तो रेडी करें This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. और सैनोक वाले मैच का एसएस दिखा दो। हाँ रुको जोर जोर चलेंगे, जोर जोर के अरे फाइन बात हो। एप्पल आईडी कीबोर्ड ऑफ कर दे, फोटो गिर गया वो एप्पल। लेट्स गो। हाँ भाई चलो, मार्क द लोकेशन। क्या कर रहे हैं भाई ये लोग? हाँ भाई चलो, चाहते क्या हो? नहीं बिल्ला तुम चाहते क्या हो ये बताओ मेरे को। पिस्तौल ऑन लिया अरे अंदर चल, पिस्तौल मारने के लिए पिस्तौल भी होनी चाहिए। I got supplies. अरे पिस्तौल चाहिए। I need a weapon. I also. I need a weapon. I need a weapon. चुप भाई कितना बोलता है। बंदे आ रहे हैं। I got supplies. नहीं है यहाँ पे भी नहीं। चलो चलो मिल गई,
ये मूवी है बहुत बंदों मारने लग बहुत सी गने I got supplies. I got supplies. आ बंदे चलो बादल है चलो Fall back to safe zone. बंदे आ रहे हैं चलो I got supplies. अरे आपने पास रख लो ब्रो नहीं आप ब्रो पिस्तौल डंकी मिली ऑटो पिस्तौल सीधे बंदा मुझे उड़ दे ये भी सही है ये बादल चालू मस्त था ना तो ऑफ है 9 के एमएम थी पे ब्रिंग अप वॉइस चैट एक्सीलेंट वर्क तो मार क्या तू I'm out. Need ammo. मेरे को ammo चाहिए. I need consumables. Marked a location. किसे ammo चाहिए थी लो इधर आओ. ये ammo लो. ओ. ये ammo ले लो. चलो यार ओके ब्रो. पूरी आ जाओ. Marked a location. Marked a location. Bandunga. Watch out. Idhar aa jao. Woh looted hai? Nahi hai. Kab banta hai? Hello. अपना भर आ गया मैं हेलो आवाज आ रही मिल रहा हाँ आ रही है अरे ये कल का सेनोक का वो देना तो क्या कल का बादल मचाओ के लिए ये सेनोक के मैच से ऐसे सही रिजल्ट का मैंने दो कौन से मैच का ये 7-8 बजे वाले 8 बजे वाले सेनोक 15,000 8 बजे सेनो की होता है ना और 5 बजे से किसी को ढूंढो कास्ट करने के लिए एमएससी एरर हाँ बताइए बना सही ए भाई कैंपर भाई क्या ही गूज ऐसे बैठे हैं रूम वूम में साउंड भी नहीं दे रहे फॉर्म अप ऑन मी इधर आ जाओ तेरे में थोड़ा सा दिमाग समझता था तेरे में वो भी नहीं है पता है किसकी बात कर रहे थे मार दिया था क्या निधि की बात कर रहे भाई पता है इसने अपने वो बना हुआ नंबर से ऑर्डर करा है इसने मेरे नंबर से ऑर्डर तो कर दिया पर शायद तो सबसे घर का डाल दिया मैडम प्रो है ना वो बना हुआ नहीं है रिजल्ट बना नहीं है रिजल्ट पता नहीं आज अपलोड हो जाएंगे सारे इस पर डाल देंगे ये रहा नहीं ऊपर जाओ बंदा ऊपर इसी के ऊपर ये रहा सबसे ऊपर ये देखो दोनों देख लो आप चल यार जो देखना है आप देख लो सबसे सीन भी पूरा रिजल्ट अंदर इस सारे अंदर रूम में आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना
यहीं से मुझे मारा उसने। एक और बंदा मिला था इस पर भी बात करेंगे अपन। किस चीज के लिए? मर्चेंडाइज डीके सीजी वाले के साथ हो गई। इसके सब्सक्राइबर है 30K। इसकी भी वॉचिंग आ जाती है 4,500 लास्ट में। इसी में 7,000 वॉचिंग है, मतलब नॉर्मल व्यूअर है। तो मेरल्टन कौन बोल रहे हैं? हेलो डाल्टन डाल्टन अप्रो सब डिस्कॉर्ड पे। हां बोलो। हां जो क्या स्पाइडर है, स्पाइडर भाई ने कहा था जो एक ग्रुप मतलब एक ग्रुप के दो मैचेस कराने क्वालीफायर ठीक है, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा ठीक है। तो एक ही मैचेस होगा ठीक है, मतलब पांच मैच एक दिन, पांच दिन एक दिन, एक एक ग्रुप। क्योंकि क्वालीफायर में मेरे लाइक जितने भी मैनेजमेंट के लौंडे हैं ना ठीक है, हमने कहा एक मैच बहुत होता है तो एक ही मैच सिमुलेशन गेम सेट इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। वो तो आपके ऊपर है कुछ ज्यादा कर रहे हैं। हां नहीं वो स्पाइडर ने बोला था दो कराओ तो वो दो दो आप कराते हो ना तो फेयर होता है वो टीम्स के लिए। नहीं मेरे को फॉलो करो देखो फेयर मुझे करो आपकी बात सही है बट मतलब जहाँ पे भी होता है ना ज्यादातर मतलब जितना मैंने कराया आज तक ठीक है। एक अभी आपका टूर्नामेंट के साथ एक और टूर्नामेंट चल रहा है साथ में चलेगा तब बंदी चलेगा मेरा नाम आता तो वहाँ पे एक ही क्वालिफायर्स होता है। एक क्वालिफायर्स तो जो भी कराता है वो बंदा ये प्लेयर्स लोग के साथ फेयर नहीं रहे यार जल्दी चलो क्योंकि एक टीम को चांस तो मिलना चाहिए कि हाँ वो परफॉर्म कर पाए। और अंदर चलो तीन में देखो दो क्वालिफायर में दिक्कत है हमें फिर 20 मैचेस का पॉइंट टोटल बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैच कितने कराने पड़ रहे हैं आपको? 10 ग्रुप बन रहे ना 20 मैचेस का टोटल वो तो हम कराएंगे ना क्या वो बाद वाला तो फाइनल्स का हम कराएंगे। आपको बोला है कि क्वालिफाई करके आप स्प्लिट करके तो दो हमको। वाह हमने तो ना बढ़िया करा है। अरे स्प्लिट क्वालिफाई भी में तो 20 रूम बन रहा है ना मतलब कैसे समझ रहे हो क्या हम तो 12 बना ही रहे हम एक टीम को 12 तो खिला ही रहे हैं पर जो आपसे बोला गया था ना कि दो ग्रुप हमको प्रोवाइड करके दो 10-10 का वो वाला उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहां पे अभी तो एक 5 के अलग वीकली वाला स्टार्ट होगा ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा अरे आप भी कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। ये तो हो गया ये जो अभी वाला है ना जो संडे को होगा वो तो सैटरडे संडे को होगा वो तो फाइनल है उसमें कुछ चेंज नहीं है। बुखार तो हाँ सर हाँ थोड़ा सा बात करना था। मैं ये बोल रहा था कि लाइक जो मेरे पे गोल नहीं है 5 के वाला है अलग वाला ठीक है ये कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा तो उसमें ये है कि हम एक मैच से एक ग्रुप का कराएंगे मतलब 5-5 मैचेस करके दो दिन में मंडे टू ठीक है बस और कुछ चेंजेस नहीं है बस यही चेंजेस है। मतलब क्या चेंजेस है समझा नहीं मतलब जैसे आपने कहा था ना एक ग्रुप के दो मैचेस कराओ क्वालीफायर्स के लिए तो वो एक मैचेस हम कराएंगे एक क्वालीफायर्स के लिए ऐसे क्यों क्योंकि मैनेजमेंट अरे क्या चाहिए भाई मुझे ये लो तो बोला कि एक मैच ही बेटर है क्योंकि 20 मैचेस होंगे ठीक है उसका पॉइंट टोटल मुश्किल हो जाएगा बनाना ठीक है। Let's go. ये दिक्कत होगा हमें और उसका मैनेजमेंट भी थोड़ा दिक्कत होगा बट मैनेजमेंट में तो आपने कहा रूम बना देंगे हम बट फिर भी देखो आप रूम बना दोगे वो ठीक है आपके बाद बट फिर भी हमें जो मेरी बात प्रॉब्लम होगी और बहुत कुछ हो जाता है तो एक दिन में 10 रूम साथ में हमारा T3 चलता है वो भी 23-24 रूम ठीक है तो इसलिए हमें उसके लेके दिक्कत होगा तो इसलिए ज्यादातर एक ही क्वालिफायर्स होता है तो जैसे आपने कहा था दो कराने के लिए बट मेरे जो मैनेजमेंट वालों ने कहा वो एक ही का तो एक ही हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ पे भी हम लोग सेकंड थर्ड राउंड पे भी जो था ना टॉप 8 टीम भेज देते या 7 टीम और 6 टीम भी कर देंगे वहाँ पे। नहीं नहीं वहाँ वो उसके आगे प्रोसीजर I got supplies. High points table. Points table. I got supplies. Points table upload करना बाकी है ना upload जैसे होते हैं आपको मिल जाएंगे। कोई ये बंद करना था।
यही ना। अच्छा और दो क्षेत्र का 18 दो दो टीम हम इधर उधर बांट देंगे। हाँ दो तीन टीम ऐसे ही बांट देंगे, मतलब एक इधर से एक इधर से। नीड एमओ, नया आईडी पास अपलोड कर दिया ना। दो नहीं चार टीम बची ना। हाँ तीन तीन टीम में ऐसे दे दूंगा आपको। हाँ हाँ टाइटल का क्या लगा जनरेट नहीं होगा उनको। टॉप सिक्स अगर पहले राउंड से लिया तो सेकंड में भी टॉप सिक्स ही रखेंगे। अरे ये इस वीक का क्या है, इसमें एमवीपी का क्या चूज करेंगे हम लोग? एमवीपी की सबसे ज्यादा किल्स फाइनल में। ओ ओनली फाइनल्स के लिए, उसमें हमें उसका पिछला परफॉर्मेंस कंसीडर नहीं करना। नहीं सिर्फ फाइनल का, फाइनल का कंसीडर करना है। एमवीपी की जो होते हैं स्किल लिस्ट टूर्नामेंट में या उसको फर्स्ट प्राइज में 2000 रुपए करते हैं। नहीं एमवीपी रहने दो, एमवीपी 1K में भी एमवीपी डाला है तो इसमें तो अच्छा रहेगा ना। ओ ठीक है, 1K में तुमने कितना एमवीपी डाला है? 100 रुपये। 100 रुपये डाला है? 500 200। मैंने नोटिफिकेशन डलवा दिया है, मतलब पता नहीं क्या क्या लिखा है, मतलब बंदे ने डाला है 500, 250 और 100। कल कल और मैच होगा ना इनका, उसके बाद फाइनल साथ निकालेंगे हम। ठीक है तो अभी चल ही रहा है इनका, तो आज भी मैचेस होगा इनका, फिर फाइनल साथ निकलेगा आज। सैटरडे संडे के लिए टाइमिंग मैंने आपको भेज दिया था उसी टाइम। हाँ 7-8-9 यही ना भाई, अनाउंसमेंट में भी यही लिखा ना, 7-8 डे 1 7-8-9 डे 2 7-8-9। हाँ ठीक है। हमारे सर्वर में आप हो क्या? वॉच आउट, इनवाइट। नहीं नहीं हुआ, मैं इनवाइट कर देता हूँ। ये वाला और हाँ जो GFX चेंज का वो क्या सीन है वो बताना एक मिनट रुको। VC Hexer HX Enemies ahead। ठीक है GFX चेंज हो रहा है और GFX में आपने जो ये दिया ना लाइक रोड मैप जैसे अलग अलग दिया है, ठीक है वो बहुत बड़ा मतलब लाइक अभी हमारे को ना मतलब हमारे पास अभी GFX अवेलेबल नहीं है बट हम पे ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई मिल जाए अच्छा सा बट तो वो भी ठीक है, बट इतना अलग अलग करना जरूरी है क्या? एक में बना दे तो चलेगा? एक में बना दोगे मतलब थोड़ा ऐप में डिजाइन इस तरीके से हम लोग एक एक राउंड खोलते हैं, मतलब लॉक रहता है। आपको मैं दिखाया था ना वो इमेज, तो मैं ऐसा करूंगा जो पिछला वाला डिजाइन है ना उसी को कॉपी करवा देता हूँ। मतलब एक एक राउंड खुलेगा, मतलब क्या मतलब ये बताओ जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं पहले। हाँ तो जैसा कहोगे वैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही। हमारे पास डिजाइन बना हुआ है ना। जैसे यहाँ पे राउंड लॉक है अभी, मैं खोल नहीं सकता इसको, मैं बैकेंड से जब ओपन करूंगा ना टीम में जब खोल पाएंगे इसको क्वालिफायर वाला। खोल को दिखाओ क्या बैकेंड को, बैकेंड से फिर ओपन नीचे होगा एक बार। तो मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि, लेकिन इसमें जो ग्रुप बनाने देखे ना, दिक्कत तो ये है कि ग्रुप भी बनाने पड़ेंगे। हाँ तो ग्रुप कैसे बनेंगे आगे? वो बैकेंड से बनाने पड़ेंगे ग्रुप, फिर भी आपको एम्प्टी दिखेगा अभी डाटा, नीचे डाटा ऐड करना पड़ेगा। आपको UI डिजाइन के अंदर दिखा सकता हूँ मैं अभी कुछ समथिंग। मार्क द लोकेशन, वो तो लिंक ही जाता मैंने कभी। मार्क द लोकेशन भाई, आईडी पास अपलोड किया है कि नहीं किया है? एक भी बंदा नहीं आया। बिल्ला ने देखा नहीं अभी मैसेज? भाई मैंने दिया तो आईडी पासवर्ड। वॉच आउट नावा, अपना GFX जो मैं तेरे को देख एनिमीज अहेड बस कर रहा हूं फॉरवर्ड। नावा नावा बताओ ये बनाना है अलग अलग ग्रुप का, अलग क्वालिफायर का रोड मैप ऐसा बनेगा। हाँ वो देखा मैंने, वो बनेगा। हाँ और जो और हाँ साइज का क्या दिक्कत आ रहा है बता दो, क्योंकि नावा ने बनाया तो साइज का बता ही दो। इसका मैं भी आपके सामने अपलोड कर देता हूँ। अरे बैटल ग्राउंड, एक मिनट एक मिनट, बैटल ग्राउंड में ये क्यों डाल रहे हो? ये तो वो है, ये तो ये डेमो है, ये जस्ट कुछ भी मैं चाल तो ये तो ऊपर जो वीडियो है ना। अच्छा ये तो मतलब जाना है, ये तो कंपनी का कुछ भी एक ना मॉल करी मैंने कल चुरा लिया है शॉट दे के। अब यहां पे कहोगे टूर्नामेंट में बैटल ग्राउंड वैलोरेंट की इमेज, वो तो जस्ट ऐसे ही डाल दिया। अच्छा अच्छा ये यूआई डिजाइन है। अच्छा ये अभी अभी कंप्लीट प्रोजेक्ट बना नहीं,
चलिए कुछ वो वाला पेज कुछ ऐसा दिखेगा, अदर ग्रुप्स ऐसे होंगे और जो आपका ग्रुप होगा टॉप पे आएगा, मतलब समझ रहे हो, मतलब जिस बंदे का होगा उसका टॉप पे आएगा। हां तो ग्रुप अलग से होगा, अब बाकी के अदर ग्रुप्स वो अदर ग्रुप्स की भी टीम चेक कर सकता है कि कौन कौन सी टीम है, बस आईडी पासवर्ड चेक नहीं कर पाएगा, बाकी वो टीम चेक कर पाएगा। दो डिटेल दो, उन्हें डिटेल दो भाई। बैनर में आ रहा है कि कंटेंट का जो भी उसमें दिक्कत कहां आ रहा है, वो जो जो फोटो भेजी थी आपको इतना कोई मत करना, फोटो कटेगा, मैंने भी अपलोड करके भी नहीं देखा, अभी आपके सामने अपलोड कर देता हूं। साइज तो आपने जो दिया था उसी साइज का बनाया ना, साइज ठीक है, वो इमेजेस के अंदर मैं पूरा देता हूं। मार्क द लोकेशन, मैं काफी स्लो चल रहा है, मार्क द लोकेशन, मार्क द लोकेशन, अपने इमेज में कुछ भेजा था बिल्ला ने, समवन चल रहा है, चल रहा है। Mark the location. Enemies ahead. Watch out. Tournament ka naam kya dalna tha? मुझे बचा लो कोई आके, वीकली टूर्नामेंट, ओनली वीकली टूर्नामेंट भाई, ऊपर आ जाओ। 7 सिनिस्टर वीकली टूर्नामेंट या फिर वीकली टूर्नामेंट गेट खोल दो ए, कैसा वीकली टूर्नामेंट है? 7 एमो नहीं है, एमो दे दो कोई 7 की, सिर्फ वीकली था। एक गेम चला रहा तो एक नॉक कर दिया, कंस आई नीड कंस्यूम, हेलो, हां थैंक यू ब्रो, भाई मेरे क्लिक कर रहा भाई, बाहर जाके आया करो, इस पे रिस्क मेरे हाथों से मंडे के मॉर्निंग तक, ठीक है, वो जाएगा 1 बजे तक कुछ ऐसा है। ये तो देख लो आपकी कैसे जा, हां तो ये कैसे ठीक होगा ये बताओ, कट गया तो पूरा साइज तो आपने जो बना दिया वही तो दिया हमने बनाया के साइज, कुछ है ही नहीं, तो कट गया पूरा ही, कट गया तो हां भाई इसका साइज का क्या है भाई, बस साइज दिया था 100 into 190, मैंने दो बैनर के साइज दिए थे ना, कौन सा किस पे दे दिया? नहीं नहीं मैंने इनको एक ही सेंड करा था, अगर वाला तो मैंने इनको सेंड ही नहीं करा अभी तक, मैंने बिल्ला ने सेंड किया था मेरे को 100 into 197 का, देखियो बिना से 197 तो क्या, एक मिनट मैंने मेरा फोन अपने Mark the location. अगर मैं इसमें गलती से अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, देखो अभी इसमें डाटा भी नहीं आया क्योंकि मैंने राउंड क्रिएट ही नहीं कर रखा, मतलब समझो इशू, जैसे इसमें राउंड ऐड कर रखे ना बैकएंड में रोड मैप टैब का, तो उसमें मैंने ऐड नहीं करा अभी, तो आज तक आज शाम तक ही चाहिए चिंचिन इमेज, ये वाली इमेज का डिजाइन कुछ कॉपी सा लग रहा है, पहले वाइस समझ आ गया ना, अरेस्ट नाउ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, इसमें कुछ मैं आपको पहले कॉपी नहीं आप भी ये साइड है, अरे तो लग रही मैं कह रहा हूं कुछ तो अलग, अरे अभी देखो बोला ना एक हमें जी का मिल नहीं रहा बटन का, तो और साइज आपका जो साइज है ना, ठीक है, और जो आपका साइज है ना वो साइज में बना नहीं रहा, मतलब बन नहीं पा रहा है, ठीक है, कह रहा है उतने पिक्सल में नहीं बनेगा,
अविनाश इसका कर दे भाई इसी वाले साइज पे ना अविनाश थोड़ा हाँ। ब्लैक जैसे ब्लैक लाइन है ना इसको थोड़ा चेंज कर दे कलर वाला येलो की जगह कोई दूसरा कलर चूज कर ले यो। बाकी सेम लोगो कॉपी कर ले डिजाइन विजाइन सब यहाँ पे मैनेज भाई लेवल अप ई स्पोर्ट्स की जगह ना इनका लोगो डाल दे सेवन सीन का ऑर्गेनाइज भाई या मैनेज भाई जो भी है लेकिन आपका नीचे वो भी 12 को इन सब आपका लिखा हुआ है इसकी कास्टिंग हम लोग अपने चैनल पे भी करवा रहे हैं किसकी इसकी इस टूर्नामेंट की लव लेवल अप का नहीं लेवल अप का नहीं ये वाला जो भी होगा 5 के वाला है या कौन सा 5 के वाला 5 के वाला 5 के वाला तो बात होता है हम कराएंगे बट आप अपने पे करो हम अपने पे ब्रॉडकास्ट करेंगे दो जगह चलेगा स्ट्रीम हाँ तो बट दोनों जगह जनता जनता देखने के लिए जाएगी ना वही बात हो जाएगा कोई या तो कोई एक तो लोग हमारे को तो लोगों पे करना ही है जनता तो जनता का क्या सीन रहेगा पर मुझे तो दोनों कर लेंगे हमारे अपने अपने भी या कुछ और अपना जैसा आप आपका अगर स्ट्रीमर कर रहा है तो हमें कोई इशू नहीं है हम लोग स्ट्रीमर्स को बोलना यूट्यूब पर करने के लिए हम लोग वहां से डाटा फेच कर लेंगे कुछ ऐसा हमारा भी तो लोगों पे होगा ना क्योंकि मेरा भी तो वही सीन है लोगों का सिर्फ एक ओवर और ऐसे नहीं फाइनल से सेमीफाइनल तो हम लोग हमारे लोगों का ऐसे भी अपना स्ट्रीमर होगा हमारे हम लोग तो अपने स्ट्रीमर से करवा रहे हैं सारे जो भी है तो इस वीक करा लो आप चलो इस वीक जो मतलब मंडे से सही है ना ठीक करा लो क्योंकि मंडे से ही भी है आपके मैचेस कब स्टार्ट होते हैं नॉर्मल स्क्रिम्स कब होते हैं आप लोगों के मतलब सिर्फ स्क्रिम टीचिंग स्क्रिम्स हां नॉर्मल हमारे 1 बजे से स्टार्ट होता है 1 बजे से तो मुझे भी उनमें से रूम में एंट्री देना मेरे स्ट्रीमर्स को हम लोग उसमें से कंटेंट मतलब स्पेक्टेट करके अपने चैनल पे कास्ट करेंगे आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट ब्रो कभी डुओ बनवाओ मजा आएगा थोड़ा अनुराग लॉबी फुल हो जाएगी ये स्क्रीम्स तो डुओ का कैसे करा सकता हूं मैं स्क्वाड का ही कराना पड़ेगा ना स्क्रीम्स तो मतलब समझो बस हमारा कास्टर क्या करेगा वो मैच की कास्टिंग करेगा बस और कुछ नहीं डुओ पॉसिबल नहीं है आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपकी लॉबी है किसकी लॉबी है वैसा सीन है चार बजे मीटिंग थी हमारी मैं आता हूँ ऐसे पहले इसको ठीक करके दे इसको मैं अविनाश से अविनाश इसको कर सकते हैं ना अभी सही अपन इसको आज ही कर ले भाई आज क्या रात तक सब कुछ सेटल करना है उसको फिक्स करना है सब कुछ ये रोड कर दूंगा मैं ठीक है इसको हम लोग करवा लेंगे खुद ही उस वाले खुद ही करा लोगे हाँ सेम मतलब वीक हां सेम चीज कर देंगे स्पोंसर ड्राइक्स है और नीचे लोगो वगैरह में 7 सिनिस्टर वाला डालना पड़ेगा आपको ओके इसमें 7 सिनिस्टर वाला डालना मतलब अरे नीचे जो लोगो फेसबुक और वो होगा ना वो जैसे जो भी लिखा होता है नीचे वो मतलब कास्टिंग तो हम लोग अपने चैनल पे कर रहे हैं देख लो क्या लिखना है जो चलो कास्टिंग वाले चैनल इसमें इससे कुछ ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला हां तो मैं नोटिफाई कर दूंगा चलो डाल देता हूं मेरा कुछ ही नहीं मेरा मुझे तो एक बार नोटिफाई करना है तो मेरा तो हो जाएगा आपका डाल देता हूं मैं मुझे कोई नाम रहेगा वीकली टूर्नामेंट स्पोंसर बाय एक्सेल मैनेज बाय मेरे लोगों का और कोई नाम नहीं है सेम आपके जैसा डिजाइन बन जाएगा पूरा कंटेंट सब कुछ हां तो ये मुझे रात को एक बार मतलब रात को नहीं मैं 6-7 बजे आता हूं ठीक है भाई मुझे बस लोगो भेजो अपना 7 सिस्टर वाला बस अभी लोगो मेरे को मत भेजना इसको भेजना नाम बताओ किसको भेजना क्या अविनाश को भेज दो अविनाश तेरा चिंचिन चिंचिन को भेज दो चिंचिन लोगो भेज लोगो भेज दो ये तो इमेज ऐसा है कि इसको जूम करा तो पिक्सल ही गायब अरे वो ये मेहमान एक और एक और भेजी थी स्नाइपर वो शायद भेजा नहीं इनको क्या हां वो अंदर वाला नहीं भेजा मैंने मैंने कहा वो तो नहीं कर लेंगे राउंड 1 राउंड 2 वो तो कंटेंट लिखना है बस क्वालिफिकेशन का नहीं नीचे जो भेजा था वो ये इसका था पहले वाले का जो फ्रंट पे आएगा भाई मैंने इनको सेम भेजा तो जो पहला भेजा था बस इनको मैंने पहला भेजा जानकारी मैंने अंदर वाला भेजा ही नहीं
तीन मेरे हो को गया, पहले चार को मैं स्टार्ट उसी का बोला करता तो मैंने पहले उसी का बनाया, बाद में मैंने इसका हूँ। दिया भाई भाई भाई, हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, कब तक लाइक सब चेंजेस होके दिख जाएंगे? आज ही हो जाएंगे टाइम। और क्या क्या चेंजेस, मतलब वही जो थीम रहेगा सेम थीम में, बस नाम चेंज हो नाम जाएगा और नीचे के नाम चेंज हो जाएगा, यही ना? सब कुछ सेम हाँ रहेगा, जो बस भी, दो सौ हाँ स्लॉट सेम होगा रहेगा। सब फाइनल। अब 200 स्लॉट तो मैंने ऐड कर दिया, वो देखा नहीं ऐप के अंदर हाँ एडिट है। ऐप के अंदर, ऐप खोला नहीं, ऐप मैं फोन ही नहीं खोला, अभी फोन खोलता हूँ। वो इमेज अपडेट हो जाएगी। उसमें डेट भी मेंशन करते हैं बिना, मैच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर ऐसा कुछ है ना, एक अक्टूबर, एक एक नहीं है ना, सॉरी डेट कितना है, चार मैच स्टार्ट एक होगा 4 तारीख है, चार 4 तारीख से। वो मंडे भी, को ठीक है। वो भी डलवा दे ऊपर ही मेन पेज पे ही। दिस इज अ सिमुलेशन गेम सेट इन अ वर्चुअल वर्ल्ड एंड डज नॉट रिप्रेजेंट रियल लाइफ। तो यहाँ पे हमारा दूसरा मैच चालू हो चुका है। टेक फ्री इस मैच में 28 ही बंदे और मिरामार का मैच है, तो देखना पड़ेगा कि इस बार FYD अपने लिए पॉइंट गैदर कर पाएगी कि नहीं। पिछले मैच में तो भाई जोन के बाहर ही उनको दिक्कत हो गई, रोटेशन थोड़ा गलत दिया था। अगर वो रोटेशन थोड़ा सही होता तो दोनों बंदे जिंदा बच सकते थे और फिर भी राउंड निकाल सकते थे अपना। पर अभी ये चलना वाला है बहुत ही ज़्यादा स्लो मैच, क्योंकि सिर्फ 28 ही बंदे आए हैं, बाकी बंदे मेरे ख्याल से उम्मीद हार चुके हैं क्वालिफाइंग की, इसलिए नहीं आए। भाई उम्मीद मत हारो यार, यहाँ पे प्लेन निकल चुका है, जा रहा है इम्पाला से होके रुइंस की तरफ। रुइंस मेरे कौन सी टीम जाती है, शायद फोरमैन की टीम जाती है रुइंस, या फिर FYD की जाती है, मेरे को याद नहीं यार। नहीं, FYD तो पिकाडो जाती है, रुइंस जाती है फोरमैन की टीम मोस्ट प्रोबेबली, और फोरमैन की टीम यहाँ पे है तो नहीं, तो अभी शायद ही कोई रुइंस जाएगा। पर जो विक्टोरियस मॉर्टल हैं वो हमेशा की तरह अपने टीममेट के साथ इम्पाला जा रहे हैं, आयाम के बंदे हमेशा की तरह एलाजार की तरफ ही जा रहे हैं और बाकी बंदे भी उतरना चालू कर चुके हैं। नंबर 4 की जो टीम है, जो कि TC की टीम है, वो उतर रही है सैन मार्टिन के राउंड। उनके क्लोज ETF की बंदे भी उतर रहे हैं, ETF भी सैन मार्टिन उतर रही है और एक और जो टीम है FYD की, वो भी सैन मार्टिन ही उतर रही है। पर मेरे ख्याल से TC की टीम हाशियांडा जा रही है, यस TC की टीम फिलहाल देखा जाए तो हाशियांडा जा रही है, डायरेक्ट फाइट लेना नहीं जा रही है। मैं SS ले लेता हूँ, यहाँ पे उतर चुके हैं ये लोग, यहाँ पे आगे जाना चाहेंगे। एम प्रधान देखा जाए तो अपनी टीम्स के साथ आगे जा रहे हैं। OG की टीम भी कहाँ उतर रही है, एल्पोजो की तरफ जा रही है। तो फिलहाल दो टीम जो है ETF और FYD, फिर से उन लोग का ड्रॉप लोकेशन पे लेस है ये टीम्स। ओके FYD अभी फिलहाल देखा जाए तो 4 बंदों के साथ एंटर की है, तो उतनी दिक्कत जितनी पिछले मैच में थी उनको उतनी तो नहीं होगी फिलहाल। और कहीं ड्रॉप क्लैश है? नहीं, और कहीं भी ड्रॉप क्लैश बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये दो टीम्स है जो लगने वाली है। और बाद में जो TC की टीम वो करेगी थर्ड पार्टी इन पे, फिलहाल के लिए तो इनको सिर्फ शॉर्ट गन मिली है। दूसरे बंदे पे चलते, दूसरे बंदे हंटर पे तो कोई भी गन नहीं है, हल्क पे यहाँ पे उजी और वेक्टर है। बाबा योगा एक प्रॉपर वेपन रखते हैं अपने पास। ETF के बंदे भी फिलहाल देखा जाए तो गरीब ही हैं गन के मामले में, यहाँ पे PST M16 है इनके पास और M4 भी है, पर ये बंदा भाई पूरा प्रॉपर फाइट के लिए रेडी है। लेवल उनका हेलमेट वेस्ट है इनके पास सामने पर, इनको ETF के बंदे, FYD के बंदे TPP लेके वेट कर रहे हैं इनके ऊपर आने का। भाई स्पॉट करके जरूर रखा है बिस्टी को, और यहाँ पे 1 KM से पीक करके देखना चाह रहे बंदा कहाँ पे है। शॉट्स फिलहाल तो नहीं ले रहे,
देखा जरूर है उस तरफ बंदे, अगर फाइटिंग की जोती है तो फिर क्लियर भी करना चाहेंगे नॉक करके तुरंत ही, क्योंकि किल पॉइंट अभी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो फिलहाल कंपाउंड्स के अंदर ही अंदर लूट कंप्लीट कर रहे हैं, यूनाइट होंगे फिर उसके बाद फाइट लेंगे, उसका करना पड़ेगा हमको वेट। पर यहाँ पे हंटर ने शायद फ्लैंक किया, नहीं हंटर ने नहीं, किसने किया है फ्लैंक? हल कॉपी क्या यहाँ पे फ्लैंकर रोल निभा रहे हैं? ऑफ एंगल गए हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से हंटर को कवर की ज़रूरत है। उनके जस्ट क्लोज में दो ETF के बंदे, इनको थोड़ा कवर लेके खेलना पड़ सकता है क्योंकि जस्ट सामने इनके बंदा है। किंग पिन को देख रहे हैं यहाँ पे, नीड पिन कर रहे हैं, सामने हंटर है, साउंड एकदम प्रॉपर आ रहा है यहाँ तक। अपशॉट को देखिए तो छत पे हैं, छत पे इनको तो दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि हाइट में है तो, और वहीं पीछे 2v2 का इनका फाइट हो चुका है। यहाँ पे ETF के बंदे को अच्छा खासा लो किया अल्फा ने, और यहाँ नॉक करके तुरंत फिनिश भी करना चाह रहे हैं स्क्रैपर को। यहाँ पे ETF इस मैच में दिक्कत में आते हुए दो बंदे नॉक खा चुकी है, FYT के बंदे भी एक नॉक है, तो यहाँ पे ट्रेड हुआ है, एक बंदे को फिनिश भी किया है ETF के बंदे ने, पर खुद दो बंदों का लॉस खा चुके हैं। यहाँ पे जो बंदे घर के ऊपर थे उन्होंने एक बंदे को नॉक फिनिश तो डाला, पर अपनी टीम के लिए लॉस ज़रूर खा लिया है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है फिलहाल ETF के लिए, क्योंकि एक ही घर पे वो लोग फंस गए हैं। अगर एंगल बनाएंगे FYT तो इनको बहुत दिक्कत होगी, FYT को एंगल बनाना चालू करने ना चाहिए, इनको यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहिए। दो एक कैम इनके पास, एक दूसरा वेपन जो लॉन्ग रेंज में यूज़ कर सकें ढूंढना चाहेंगे। अब शॉर्ट पे ADS रख रहे थे, अब शॉर्ट यहाँ पे हंटर को दिक्कत देना चाह रहे हैं, डैमेज देना चाहेंगे अगर स्पॉट करते हैं वो तो। नेट पिन कर रहे हैं ताकि हंटर को थोड़ा सा मूव कर पाए, फिलहाल कोई भी मूवमेंट नहीं आता। शॉट्स किया जा रहा है यहाँ पे, बाबा यागा पे एक हेड भी कनेक्ट किया है, काफ़ी लो भी किया है यहाँ पे। नेड किया है रैंडम, क्या ये नेड डैमेज देगा? थोड़ा सा ओवरकुक हो गया नेट, वरना ये नेट भी इनको ज़रूर डैमेज देता काफ़ी। फिलहाल तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी इनको, नेट पर इन पे आ रहे हैं, डैमेज नहीं दे पा रहे, पर क्योंकि छत के ऊपर रहने का एक बहुत फ़ायदा ये होता है हाइट का कि आप बंदों को शांति से स्पॉट कर सकते हैं, पर वो आपको डैमेज देने में बहुत होगी उनको दिक्कत। हंटर OP यहाँ पे अपने ही घर में गोल गोल घूम रहे, M4 स्कारल यूज़ करें, छत पे पीक आपको नहीं करना चाहिए। अब शॉट अगर TPP लेकर आपका वेट कर रहे होंगे तो आपके जो दो बंदे आपको जो सैंडविच बनाने में हेल्प कर रहे हैं उनको दिक्कत हो जाएगी, उनको बंदों को क्रॉस करके या तो फिनिश करके आना पड़ेगा आप तक, और उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी। यहाँ पे नंबर 2 का टीम का एक बंदा थोड़ा सा ओपन में आया था, अगर अपशॉट थोड़ा देर पहले देखते और M4 का यूज़ करते तो यहाँ पे नॉक भी निकाल सकते थे। बाबा यागा अभी भी सेम पोजीशन पे अपनी एक कैम लेके खड़े हैं, स्पॉट करना चाह रहे हैं बंदों को, पर इनकी तरफ पीक आ ही नहीं रहा। हंटर OP भी हल्का सा एंगल चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं, शायद स्मोक किया है, क्या वो पुश करना चाह रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो पुश करना चाह रहे हैं। यहाँ पे किंग पिन के पास क्या एंगल है? यस किंग पिन रैंडम अगर शॉट देते हैं तो भी दिक्कत दे सकते थे। अभी फिलहाल व्हीकल अपनी सेव कर चुके हैं हंटर OP, और एंगल बनाना चाह रहे हैं वही व्हीकल से। बहुत ही प्यारा एंगल बनाते हुए अपने लिए, अब शॉट यहाँ पे देखा जाए तो होल्ड यहीं पे कर रहे हैं, दोनों बंदे छत पे हैं, अगर नेड अगर आ जाता तो दिक्कत हो सकता है। M4 का स्प्रे देने का ट्राई किया है हंटर OP पे, पर गाड़ी पे तो एक भी बुलेट फिलहाल नहीं लगी। पर यहाँ पे अब शॉट ने बहुत ही प्यारा स्प्रे कनेक्ट किया, हंटर OP को काफ़ी लो कर दिया। यहाँ दूसरे बंदे भी व्हीकल लेके रोटेट कर रहे हैं, एक के एम से क्या ही डैमेज दिया भाई, बहुत ही प्यारा बुलेट कनेक्ट किया एक के एम से, एकदम सिंगल सिंगल जो
पिक्सल दिखा था उसमें भी एक बहुत ही प्यारा डैमेज दिया है, और उन्होंने फॉल बैक ले रहे हैं और सामने ही टीसी की टीम है भाई। एफ वाई डी जहाँ पर रोटेशन दे रही है उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं गलत जगह रोटेशन दे रहे, वापस आ रहे हैं। और हंटर भी फिलहाल तो फंस चुके हैं, इनको हील करना पड़ेगा, बैंडेजेस ही है इनके पास, फर्स्ट एड तो इन पे भी नहीं है। और कहीं अभी फिर से फाइट तो होने वाली है नहीं। विट्रिक्स मॉडल जो है पापागाल की टीम से जोन में आ रहे, जोन में आके फाइट लेना चाहेंगे। लॉस लियोन्स फिलहाल लूट अप कर रहे हैं, वो लोग इम्पाला उतरे थे, अपशॉट ने नॉक कर दिया हंटर को, और हंटर तो नॉक फिनिश है यहाँ पे, उनके बचने का कोई भी चांस नहीं होगा। यहाँ पे हंटर ओपी पे चलते हैं, इनका बचने का कोई भी चांस नहीं है। आपको टाइम रहते फॉल बैक ले लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया उसका आपको भुगतान भुगतना फिलहाल पड़ रहा है। काफ़ी दिक्कत हुई है यहाँ पे इस टीम को, इनको कवर में वापस से जाना पड़ेगा, मेरे को बिल्ला से बात करना पड़ेगा कि नेक्स्ट वाला रूम कोई बना के दे। बिल्ला आवाज आ रहा है? हेलो हेलो भाई, है ही नहीं भाई, कहीं चला गया भाई। यहाँ पे दो दो बंदे बाकी हैं, एफ आई डी और ई टी एफ को देखा था तो दोनों बंदे उतरे थे यहाँ पे। हेलो, अरे इसके बाद बिल्ला रूम बना देना दो बार, इसके बाद क्या है इसका जाना है क्या अभी? हाँ वो उधर जाना है, ये हेजर बोल रहा हूँ, गरुड़ा भैया का करना है दो तो। अगर मेरा लॉगिन हो जाता है ना वो ट्विटर का तो फिर मैं ही बना दूंगा, दिक्कत नहीं आएगा मेरे को। ये मैच खत्म हो जाता है फिर ट्विटर लॉगिन करने ट्राई करता हूँ, हो जाता तो मैं ही दे दूंगा। स्पेक्टेट पे खाली रेड लेना है, अगर तू स्ट्रीम नहीं करेगा तो दिक्कत। हाँ वो मैं वही उसी के लिए बोल रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ इसमें लॉगिन हो जाए ट्विटर का। इसमें लॉगिन कर दो ट्विटर, ट्विटर में ये अमन वाला आईडी अपने इसमें कर लूँगा टैब पे। ओ दोनों में से किसी में एक में करना पड़ेगा, मैं अपनी आईडी तो किसी में भी लॉगिन कर सकता हूँ, हाइड कर दूँगा ये हैक्सर वाला हाइड कर दूँगा, गरुड़ा भैया वाला तो ओपन ही रखना है वैसे मैं तो। आजकल में लास्ट उसके बाद तो हर मैच के लिए कास्टिंग के लिए बंदे ढूंढ लिए। यहाँ पे सामने है एफ आई डी की टीम और ई टी एफ के बंदे सीधा सीधा उन पे ही जा रहे हैं, तो क्या इनको पता है कि सामने ही बंदे? यस सामने ही बंदे हैं, इनका फाइट हो सकता है। गाड़ी रोक दी है यहीं पे, क्या अल्फा ओपी ओपन में है, काफ़ी इनको काफ़ी डैमेज दिया है किंग पिन और अपशॉट ने मिल के। अल्फा ओपी पे तुरंत ही एंगल बनाया जा रहा है, इनको घेर के मारने की पूरी तैयारी हो रही है। अपशॉट यहाँ पे बहुत ही प्यारा रोटेशन देते हुए, इनको जल्दी से भागना पड़ेगा, बाबा योगा यागा को भी अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि ईटीएफ के बंदे हंगरी फॉर किल यहाँ पे घुस के मारना चाह रहे बंदों को। नेट पिन कर रहे हैं किंग पिन पे, नेट करना चाह रहे हैं उन पर डैमेज फिलहाल नहीं दे पाए। यहाँ पे पुश तो किया है बाबा यागा ने, सामने है किंग पिन, 1v1 का इनका फाइट है, बैरल वर्सेस AKM का यहाँ पे फाइट चल रहा था। और यहाँ पे देखा जाए तो किंग पिन ने किया बहुत ही प्यारा स्प्रे कनेक्ट और बाबा यागा को कर दिया नॉक फिनिश। और अल्फा यहाँ पे फॉल बैक लेना जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको फॉल बैक लेना तो चाहिए पर क्या आप जिस तरीके से ले रहे हैं वो फ़ायदे में रहेगा, आपको पूरा ओपन में ही जाना है। किंग पिन को अगर पता चल जाता है कि आप यहाँ चलते चलते जा रहे हैं तो फिर तो आपको बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं पता है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पता है। चुपचाप इनको बैठना पड़ेगा पर मेरे ख्याल से अपशॉट इनको स्पॉट कर चुके हैं, अपशॉट ने स्पॉट नहीं किया है,
मोस्ट प्रॉब्ली अपशॉट ने स्पॉट नहीं किया है. यस अपशॉट स्पॉट नहीं कर पाया बंदे को और यहाँ से निकल जाएंगे. तीन किल तो निकाल चुके अपनी टीम के लिए. एफआईडी है दिक्कत में. उनको क्वालिफाई होने के लिए चाहिए थे अच्छे खासे पॉइंट्स पर. फिलहाल वो तो नहीं निकाल पाए. पिछले मैच में भी उनके साथ सीन हो गया. नंबर 14 की टीम अलग अलग व्हीकल ढूंढ रही है अपने लिए. लूट को ग्रैब करना चाह रही है और ETF के किंगपिन को नॉक कर दिया इन्होंने और दूसरे बंदे को भी लेना चाह रहे हैं. यहाँ पे M4 रेड डॉट पे स्प्रे काफ़ी अच्छा कनेक्ट जो किया था पर फिलहाल खुद हो चुके हैं क्लियर. अब शॉट करेंगे हील और किंगपिन को करेंगे रिवाइव. ETF वापस FYD फिर से ETF के सामने टेक चुके हैं. घुटने क्लियर हो चुकी है. नंबर 4 की टीम सामने ही है. व्हीकल चेंज करना चाह रही है नंबर 9 की टीम के सामने. तो दिखते हैं नंबर 4 की टीम. एक बंदा तो निकल चुका है यहाँ पे. नंबर 9 की टीम को एक को ओपन में पकड़ा है. फिनिश भी कर सकते थे अगर रीलोड नहीं करते तो. दूसरे बंदा को डैमेज काफ़ी पड़ रहा है यहाँ पे. मेरे ख्याल से फिनिश शायद हो सकते हैं अगर तुरंत वहाँ पे पुश किया जाता इनके द्वारा. पापा काल को देखे तो रिवाइव किया जा रहा है अपने टीममेट को. यहाँ पे पुश आना चाहिए था नंबर 4 की टीम को क्योंकि वो दूसरे बंदे को भी काफ़ी लो कर देते. फाइट यहाँ पे बंदा नहीं ले सकता था. आप अगर एक प्रॉपर पुश दिखाते तो क्लियर हो सकते थे. नंबर 17 की टीम है यहाँ पे. फाइट इनकी चल रही है. नंबर यहाँ पे ETF की फाइट वापस से हो गई है. ETF के बंदे एक अच्छा कवर लेना चाह रहे हैं. किंग पिन यहाँ पे होल्ड करके रखें. उनको पता है कि सामने से बंदे रोटेट कर रहे हैं. यहाँ पे दो नॉक निकाल दिए नंबर 9 की टीम के. तीन नॉक हो चुके हैं और विक्ट्रिक्स मॉर्टल बचे हैं अपनी टीम से आखिरी बंदे. और यहाँ पे गुरु पुश करते हुए इनके ऊपर. CD पे TP पे फिलहाल तो ले रहे हैं गुरु. यहाँ पे मॉली किया है और ये मॉली डैमेज नहीं देगा. आई डोंट नो कैसे ये मॉली डैमेज नहीं दे रहा. मॉली लगनी तो चाहिए थी. ETF के बंदे नॉक हो चुके हैं. एक उनकी नंबर 17 की टीम के साथ फाइट हुई है. यहाँ पे डैमेज भी नहीं देने का मौका मिला. नंबर 9 की टीम हो चुकी है फिलहाल के लिए क्लियर. और वेव के बंदे ओके. ETF को देखा जाए तो सामने ETF के बंदे. ETF का एक बंदा जो बाकी था जो नीचे था उसको नॉक फिनिश कर दिया है. अब शॉट फिलहाल ऊपर है. उन पर भी पुश आ रहा है. फॉल बैक का डिसीजन उनको अभी लेना चाहिए. तीन फर्स्ट एड है. कहीं चाहे तो जाके होल्ड भी कर सकते हैं अभी के सिनारियों में अगर अच्छा खासा एक पॉइंट निकालना चाहते हैं अपनी टीम के लिए. पर मेरे ख्याल से वो अभी भी फ्रैक्स के लिए जा रहे हैं. 4 किल्स तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और किल्स बटवाना चाहते हैं. फाइट लेना चाहते हैं. पोजिशन उनको उतना मैटर नहीं करता है जितना उनको किल पॉइंट फिलहाल के लिए मैटर कर रहे हैं. हल्का सा फॉल बैक ले रहे हैं पर फाइट मेरे ख्याल से ज़रूर लेना चाहेंगे. यस हल्का फॉल बैक लेके अपना एंगल बना के फाइट लेना चाह रहे हैं. नंबर 17 की टीम के दो बंदे उनको बहुत ही तेज़ी से ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे. ट्राई कर रहे हैं कि ढूंढ पाए बंदों को. क्लियर करना चाहेंगे उनको भी क्योंकि सामने हैं बंदे. ओपन में आए हैं दो बंदे. यहाँ पे नेट से पहले एक नॉक निकालना चाह रहे हैं बिना पोजीशन ली के. फिर दूसरे के बंदे के ऊपर जाएंगे. 20 के ऊपर एक नेट किया है पर यहाँ पे नॉक नहीं निकाल पाए. पर मुठल को नॉक निकाल सकते थे. एक ओपन पोजीशन मिली थी पर स्प्रे उतनी बेहतर तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए. यहाँ पे एक और नेट आना चाहिए 20 के अगेंस्ट. मॉली यहाँ पे फेंक रहे. राइट से उनके बंदे आ चुके हैं. यहाँ पे दिक्कत होने वाली है अपशॉट को. उनको पता चल गया है कि वो फंस चुके हैं. यहाँ पे उनको फाइट एंगेज करनी पड़ेगी क्योंकि उनको चारों तरफ से ओपन में फंसा के घेर लिया गया और क्लियर कर दिए ETF की टीम. फिलहाल TC को देखा जाए तो यहाँ पे रोटेशन चालू कर रही है वो. उन्होंने भी नंबर कौन सी टीम थी वो नंबर 9 की टीम को क्लियर किया था जो कंपाउंड में होल्ड कर रही थी. तीन बंदों को फिलहाल पहले नॉक किया फिर उसके बाद पुश करके दूसरी टीम को भी क्लियर कर दिया. एम के बंदे यहाँ पे होल्ड करते हुए. किल्स अभी इनके एक भी नहीं है क्योंकि इनकी फाइट एंगेज ही नहीं हुई. OG के बंदे को देखा जाए तो यहाँ पे क्लियर किया है उन्होंने. दो किल अपने लिए निकाल चुके हैं और होल्ड कर रहे हैं यहीं पे. सामने शायद इनको रोटेशन दिखा. नहीं रोटेशन नहीं दिखा. एम के बंदे 4-man स्ट्रॉन्ग अभी भी यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं. ETF हो चुकी है क्लियर. टोटल बची है 4 टीम और चारों टीम में है 4 बंदे. और जोन में देखा जाए तो सिर्फ TC की टीम है. उसके अलावा कोई भी टीम जोन में नहीं है. जोन में फिलहाल कोई भी टीम नहीं है. TC के पास बहुत ही अच्छा चांस
अपने जोन में कवर बनाने का। उजी की टीम भी सामने से आ रही है, टीसी की टीम कहाँ जाके रुकेगी। ओके वो ऑलरेडी रुक चुकी है एक प्यारी सीरीज पे, जहाँ से उनको हर एक डायरेक्शन एंगलों पर उनकी व्हीकल उतने सेफ नहीं है जितना उनको लग रहा है कि है। अगर बंदे स्पॉट करेंगे तो गाड़ी तुरंत ही फोड़ देंगे इनकी, ज़्यादा देर इनको यहाँ पे सर्वाइव करना नहीं दिया जाएगा। एम प्रधान को देखे तो ये भी रोटेशन चालू कर रहे हैं, एम प्रोफेसर के बंदे यहाँ पे रोटेशन चालू करते हुए जोन की तरफ। उनके जस्ट लेफ्ट में एसी की टीम है, मिराडो के पास से गए, मिराडो देना नहीं चाहेंगे। मिराडो रोटेशन के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। एम के बंदे यहाँ पिकार्डो की तरफ से आ रहे जोन के अंदर, उनके जस्ट सामने बंदे हैं, तो यहाँ क्लैश शायद हो सकता है अगर थोड़ा सा लेफ्ट जाते ये तो। बिल्ला थोड़ा सा भी अगर लेफ्ट जाते तो इनको दिक्कत हो सकती है, इनको ध्यान से रहना पड़ेगा। ऐसी के बंदे यहाँ पे वेट कर रहे हैं, शॉट्स आ रहे हैं उनपे नंबर फोर की टीम से। ओपन में इनकी गाड़ी पसार ना चाह रहे हैं। बिल्ला 3-3 घंटे कास्ट करने के लिए सुबह 12 बजे से तक। कौन सा मतलब, तो ऐसा समझ हम सुबह 12 बजे से स्ट्रीम करेंगे, सुबह 12 से लेकर रात को 12 बजे तक। नंबर फोर की टीम के बंदे को लो किया है, यस इनके पंक्षु को काफी लो किया है, पर यहाँ पे गुरु शॉर्ट्स लिए जा रहे हैं। अपने चैनल होगा एक्सक्लूसिव, उनका पैसा तभी पे कर रहे हैं हम लोग, एक्सक्लूसिव स्ट्रीम करवा रहे हैं, करेंगे वो अपने YouTube चैनल पे। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लॉन्ग रेंज गाड़ी पे स्प्रे देना चाह रहे हैं यूट्यूबर। गुरु पे शॉर्ट्स कंटिन्यूअस आ रहे हैं, मंथली 3000 ड्रॉप पे। गाड़ी रोकी है, किसने रोकी है गाड़ी? 100 पर डे। यहाँ पे नॉक निकाला है वेव के बंदे को और फिनिश भी हो जाएंगे शायद वेव। ये ब्लैक डॉट साइको वेव यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे नंबर फोर की टीम को। इनको बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल, तुरंत रिवाइव करना पड़ेगा। क्या रिवाइव कर पाएंगे? पीछे से नहीं, पीछे तुरंत दूसरा बंदा आ रहा है। स्ट्रीम पे हमारा नाम लेना पड़ेगा खाली। यहाँ पे जवार यहाँ पे नेट पिन कर रहे हैं, लेफ्ट पे उनके मुठल नेट कर रहे हैं, सामने इन पे भी नेट आया। यहाँ पे 2v फिलहाल 4 का फाइट है नंबर 17 की टीम का, मतलब उसको हमारे लोको पे करना पड़ेगा। मतलब एक और नेट कर रहे हैं यहाँ पे, एक को नॉक, एक और नॉक हो चुके जवार का। यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड का मिशन और यहाँ पे क्लियर हो चुके नंबर 4 की टीम। 17 की टीम ने एक एक करके पकड़ा नंबर 4 की टीम को और कर दिया फिलहाल क्लियर। वापस से हो चुके चार बंदे डाउन, एक तो बादल से करवा लेंगे रैंडम टाइम कोई भी तीन। यहाँ पे नंबर 6 की टीम को देखें तो फिलहाल 12 से 3 पे हम लोग गिव अवे करने वाले लोग, चार 12 से 3 यहाँ पे चार बंदे होल्ड करते हुए फिलहाल गिव अवे वाले जो आई एम भी बंदे यहीं पे हैं और ओजी के बंदे भी यहीं पे ही हैं। लोक वाले से बात होती क्या? हाँ मतलब लोको पे कुछ जुगाड़ है उसके लिए, कुछ जुगाड़ से चलता है भाई। लोको के लिए तो टैट वो टर्न हो रहा है भाई, ये भी ऑटोमेटिक समझ रहे तू। सेकंड में थोड़ा हल्का मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। लोको में तो चैट कर पाए अपना आप ही, हमारे को चैट करने की जरूरत भी ना पड़े। भाई बिल्ला इज्जत ही नहीं है भाई, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ बढ़िया है फिर भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे को पे करो, मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को बोलोगे ना 18 घंटा भी करना, मैं कर लूँगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ एनर्जी के साथ वो होता है, मतलब स्ट्रीम करना मतलब खेलना। हाँ यहाँ पे M24 से एंगेजमेंट दिखा रहे हैं नंबर, एक बहुत ही प्यारा हेड निकाला है, पर सामने एडी जो है उनके पास था लेवल 3। यहाँ पे बॉडी भी एक कनेक्ट किया प्रधान के अगेंस्ट। यहाँ अगर नॉक निकालते तो मेरे को पक्का लग रहा है कि नंबर 17 की टीम पुश करने वाली है। डैमेज कंटिन्यूस दे रही है नंबर 7 की टीम को, पर यहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है।
यहाँ पे नॉक नहीं निकाल पा रहे। हेलो ड्रैगन निंजा, हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम। यहाँ पे कंटिन्यूस स्नाइपर के शॉट्स यहाँ पे एंगेज दिखाना चाह रहे। यहाँ पे एक नॉक निकाल दिया, क्या यहाँ पे पुश आएगा? यहाँ पे एक और डैमेज दिया, पुश क्यों नहीं करी? ओके एक बंदा कर चुका है पुश, एंगल बना रहे हैं अपना, एडवांस कर रहे हैं लोग बंदे, नेड करना चाहेंगे इनके बंदे जो हैं क्लोज इन करके, एक बहुत ही स्वीट रोल निभा सकते हैं अगर अब नॉक निकालते क्लोज जाके। पर नंबर सिक्स की टीम भी यहीं पे है, एम के बंदे यहाँ पे आ चुके सेम कंपाउंड में और करना चाह रहे थर्ड पार्टी। और जो नंबर 13 की टीम का जो बंदा था, जो नंबर 17 की टीम का बंदा, ये किल्स निकाल सकता है एम के दोनों बंदों के अगेंस्ट। बाय भाई ड्रैगन निंजा भाई, आप हाय बोलते हो फिर बाय बोलते हो, मैं आपको क्या बोलूँ आप मेरे को बताओ। यहाँ पे फाइट इनकी हो चुकी है, एम के बंदों की फाइट एम के बंदों के साथ हो चुकी है। दोनों टीम के, एक टीम के दो बंदे नॉक है, एक टीम का दो बंदे नॉक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी करती हुई नंबर 17 की टीम, एक किल इन्होंने यहाँ पे चुराया। यहाँ पे और भी फाइट्स लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट को पकड़ा है ओपन में और फिनिश भी करना चाहेंगे मेरे ख्याल से नंबर 17 की टीम बंदे। सरपंच आ चुके हैं सामने ही, यहाँ पे फाइट लेना चाहेंगे। यहाँ पे ब्रोकन वॉल पे फाइट आता हुआ नंबर 17 की टीम वर्सेस सरपंच, के थ्रू दो नॉक निकाला है और नंबर 17 की टीम ने बहुत ही स्वीट जगह पे बहुत ही प्यारा टाइम काउंट करके निकाला है थर्ड पार्टी, और निकाले काफ़ी किल, निकाले चार किल निकालना होते हैं थर्ड पार्टी में, पर उन्होंने चार किल से भी ज़्यादा निकाले। हम लोग इसका एसएस ले लेते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ, मेरे को दूसरा रूम उधर बनाना है, तो मैं थोड़े से अगले स्टैंड बाय पे जा रहा हूँ, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा टीम ये इसका, थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। हेलो बिल्ला, मैं ये दोनों मैचेस के वो भेज रहा हूँ तुमको, एक के तो भेज दिए, एक और के भी भेज रहा हूँ। हाँ कौन एरर? हाँ उन उसमें वो करके करता है OBS के थ्रू, नहीं अभी तो डिवाइस को चेंज किया, अपने भैया का यूज़ करता है मांग के। भाई मेरे पास भी है, नहीं चलता है स्मूथ भाई, खेलते टाइम देखो भाई नहीं चलता। हाँ भाई वो तो जहरी बंदा था, 15 रुपए एक मैच का। ट्विटर पहले इसका लॉगिन करने दो भाई, डायरेक्ट वो लॉगिन दे नहीं रहा भाई। भाई भाई क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे? देता हूँ, क्या लगता है नीरज आपकी टीम का नाम तो बताओ, मैंने म्यूट किया है ना। हाँ म्यूट किया रेंजो, उसने मेरे को कहाँ पे किया था टेक्स्ट, व्हाट्सएप पे नहीं, उसने स्पीक किया था ना डिस्कॉर्ड। चैनल का लिंक नहीं दिया उसने, फ़ोन नंबर दिया है, फ़ोन नंबर मैं इसमें डाल रहा हूँ ग्रुप में भाई। हो पापा का स्लॉट नो, रुको चेक करता हूँ। लोको तो अलग ही है ना,
अरे आपकी टीम का नाम क्या है? आपका नाम नहीं, आपकी टीम का नाम बताओ ना। आपकी टीम का नाम बोलो ना। बादल भैया आपने मेरी आईजीटीवी वीडियो देखी क्या? हाँ मैंने देखी। तुम लॉबी में आओगे ना तो तुमको बताऊंगा कि तुमने क्या गलत किया है, मतलब और कैसे अच्छी बना सकते हो वो मैं तुमको बताऊंगा। भाई लोग को चलना चाहिए ना कंटिन्यूअस, वो तो जरूरी है ना। बिल्ला ये जो अमन वाला आईडी फिर से भेजो। अमन वाला लॉगिन भेजोगे बिल्ला तुम फिर से? अमन वाला लॉगिन रुको मेरे को देखने दो। रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है बिल्ला इसका। बिल्ला रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है। बिल्ला आईडी पासवर्ड दो भाई अकुजे अमन वाले आईडी का। अरे वो रॉन्ग दिखा रहा है ना। कोई एक आईडी है जिसमें रूम हो? बताओ मैड स्टार्स, मैड स्टार्स बताओ मैड स्टार्स। ओके एक मिनट मैड स्टार्स में देख रहा हूँ। अरे मेरे को भी दो मैच का बस दिक्कत है, उसके बाद मैं बना लूंगा। दो मैच के लिए चाहिए, सिंगल सिंगल वाले हूँ वो भी चलेंगे। लॉगिन क्यों नहीं हो रहा? अमन ए, अमन में ए बड़ा है या छोटा है पासवर्ड में? रुको हाँ हैक बंद किया भाई आपने, पासवर्ड में ए बड़ा लिख के दिया है ठीक है। आपने देखो अभी व्हाट्सएप चेक करो। अरे भाई ए बड़ा लिख के दिया इसने पासवर्ड में। अरे छोटा ये मैंने डाला, हो गया। मैं लॉगिन कर रहा हूँ उसका आईडी से। अरे भाई
अपने इसमें अपनी आईडी से कर लेना। नूब क्या भाई, तुम पासवर्ड ही गलत दे रहे हो। हैकर लोगों को पासवर्ड की जरूरत पड़ता है? एक बार पड़ता है बस, फेल टू लॉग इन ऑथराइज नहीं, उस फेल आ रहा है। हो गया एक बार फेल आता है, पता नहीं क्यों, उससे मैंने शायद हो गया, पर स्क्रीन सीधी मेरी पोर्ट्रेट में अटकी हुई है। हाँ हो गया सीध भाई, पोर्ट्रेट से हटी नहीं थी। हाँ आईपैड वाला हैक हटाऊँ ना, बढ़िया। इसमें है सिंगल वाले रूम भी है दो, अरे सिंगल वाले ही दो यूज़ कर लेता हूँ ना, वेस्ट क्यों करूँ मैं वो पूरे वाले। अभी से आना होते हाँ, दो दो ही चाहिए मेरे को बनाने के लिए, और सिंगल वाले दो हैं इसमें। रूम कार्ड के लिए मेरे पास ही है आईडी, पर मेरे पास दो ही डिवाइस है ना। दिख नहीं रहा होगा ना, देखो हैकर भाई तुरंत तुरंत बनाते हैं। इसमें बंदे दिख रहे हैं मेरे को पहचान वाले, पर मेरे को चिढ़ मची हुई है, किक मार दूंगा मैं, ज्यादा गुस्सा आएगा तो।
मैड स्टार भाई दिख ही नहीं रहे मेरे को मैड स्टार मैड आर्मी है इनका 10 पॉइंट है भाई मुश्किल है मैड वालों का मैड वाले के मैचेस भाई मैड का टीम का मैंने देखा पुराना मैड की टीम का क्वालिफिकेशन तो मुश्किल है क्योंकि बाकी लोग अच्छा खासा पॉइंट निकाल चुके अगर आप लोग के मैचेस आज के बाकी हैं और हर एक मैच में अगर आप चिकन विथ अगर 5 किल्स भी करते हो ना तो चांसेस होंगे क्योंकि टॉप 4 ही टीम क्वालिफाई कर रही है एक ग्रुप से स्पेक्टेट में कौन है बिल्ला मेरा आवाज ग्लिच हो गया क्या हेलो अभी तो ये 5 और 6 में तो मेरे फोन में लॉग इन रहेगा हाँ भाई बोलो हाँ हमारा रजिस्ट्रेशन लेंदी है वो 1 टाइम के लिए है ना
नए मेंबर आएंगे तो एक बार तो करना ही पड़ेगा ना, बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार तो करना पड़ेगा, तभी तो डिटेल हम एक ही बार में इम्पोज कर पाएंगे अगर वो अप्लाई करते हैं तो। वो वन टाइम का है। मेरे को ही नहीं आता चलाना, तो मेरे को ही नहीं आता, मेरे को ही नहीं आता। हम जो चार बैठे हैं ना, हम चार आपके साथ बैठे हैं ना, हम चार को ये भी नहीं पता है कि कौन सा बॉट क्या काम करता है। बिल्ला को पता होगा थोड़ा बहुत क्योंकि उसने सेट किया है, बाकी हम लोग को भी कुछ नहीं आता है डिस्कॉर्ड चलाना। ऐप एक बार अगर बंदा चला लेगा ना ऐप, उसको फिर उससे ज़्यादा ईजी ऐप के अलावा कहीं भी कुछ भी ईजी नहीं लगेगा, ये मैं आपको श्योरिटी। पर एक बार अगर आप पहली बार कुछ भी करोगे तो भाई उसमें टाइम तो लगता है ना पहले बार तो करने में। एक बार और डिस्कॉर्ड पे तो मेरे ख्याल से टैग का भी सीन रहता है ना, हम तो वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। एक बार का तो इशू रहेगा भाई, वो मतलब एक बार भी आप बोलोगे कि एकदम आपको थाली में परोस के ही दे तो ऐसा नहीं होगा ना, एक बार तो आपको कुछ करना पड़ेगा। डाउनलोड्स नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए कि टीम्स एनरोल हो, टीम्स चाहिए हमको, डाउनलोड नहीं चाहिए हमने, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी तो मांगा नहीं ना, मांगने के लिए तो हम स्क्रीनशॉट ही मांग लेते, पर हमको डाउनलोड नहीं चाहिए, हमको टीम एनरोल होनी वो चाहिए। क्योंकि वो उसके पास अगर लॉगिन नहीं रहेगा स्नाइपर भैया तो फिर उसको आईडी पासवर्ड ही नहीं मिलेगा ना, हम लोग को स्क्रीनशॉट की ज़रूरत ही नहीं है, हमको स्क्रीनशॉट चाहिए ही नहीं, हम तो ऐप पे ही डालेंगे, ऐप पे डालेंगे, वो ऐप पे आएगा, एक भी बंदा अगर आके लेता है तो एक बंदा आएगा वो लेगा और जाएगा। कर रहे ना उनको, उनका टूर्नामेंट हम करा दे रहे हैं, उनका प्राइस पूल का जो कॉस्ट है वो दे दे रहे हैं हम। अभी तो एक ऑलरेडी वर्क में चालू हो गया है नेक्स्ट वीक के लिए, दोस्त जैसे अगर आप भी आराम से बहुत बहुत प्यार से आप भी अगर चाहते हैं कि मतलब आपके सर्वर के थ्रू हम आपको मतलब टूर्नामेंट कराना है और आप हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन कराते हैं और मतलब 5K या 10K जितने का आपको प्राइस पूल चाहिए तो वो हम करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पर हमारे अंडर होगा वो चीज़ रहेगा। दो सर्वर्स हैं, कंटिन्यूस चलता रहेगा, आप STR जानते हो? STR हाँ, एक स्ट्रेंजर ई स्पोर्ट्स है, स्ट्रेंजर ई स्पोर्ट्स है और एक ब्लैक लाइट ई स्पोर्ट्स है, उनके साथ हमारा बात हुआ तो उन्होंने नेक्स्ट मंथ का ही हमारे साथ वो कर दिया, ऑलरेडी स्लॉट बुक कर दिया कि इस वीक में हम कराएंगे आपको हमारा स्पॉन्सर। हाँ
आप अपने सर्वर से बात करो। प्रो और व्हाट भाई, डे थ्री का पॉइंट्स टेबल बता दो। बिग फैन ब्रो, नाइस। हाँ तो भैया क्या होगा क्वालिफाई हम मैड स्टार्स? ब्रेन ब्रो कौन सी टीम है आपकी भाई? डे वन डे थ्री का भाई। ग्रुप डी डे थ्री का पॉइंट्स टेबल बता दो। XTR बॉस हियर। XTR डे थ्री का, एक सेकंड मैं पूछता हूँ बिल्ला को। बिल्ला बिल्ला, ग्रुप डी है जिसमें XTR है, उनका डे थ्री का पॉइंट बना हुआ है। XTR का जो ग्रुप है ग्रुप डी का, उसका देखो ना बिल्ला। मैसेज नहीं करते भाई, पढ़ रहा हूँ माजिन। मेरा माइक बंद है क्या? नहीं माइक तो चालू है, पढ़ रहा हूँ माजिन। डीले है ना भाई, गजब बात करता माजिन। बिल्ला हेलो। अरे वो ग्रुप डी का जो XTR की टीम है ना, डे थ्री का उनका रिजल्ट बनाया है। हाँ डे थ्री का बनाया है। दो मैच का है। हाँ मेरे को भेज दो, मेरे को भेज दो। मेरे को हैकर ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। हाँ तू हैकर है तो तेरे को रिक्वेस्ट भेजे गए ना हैकर। XTR बॉस दो मैच का मैं दे सकता हूँ, एक का थोड़ा सीन है। दो मैं दिखा देता हूँ, दो मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट करो। और अभी तो फिलहाल पेड स्क्रीम चल रहे हैं लोगों के, अगर आप लोगों को खेलना है तो फिर आप खेल सकते हो। आईडी पासवर्ड मैंने पिन करके रखा हुआ है। विनिंग प्राइस रखा है गरुड़ भैया ने?
₹100 का विनिंग प्राइस भी है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है फटाफट ज्वाइन कर लो। आईडी क्या स्टार्ट मत करना, पैसे तो स्टार्ट करें ना, ये इन लोगों को मैं दिखा दूँ ना, ये देख। हाँ आ गया, ये देख लो XTR का पॉइंट, अगर इसमें है XTR, ये नहीं XTR, 15 पॉइंट निकाल लेते कल आपने। मैच तरीका बाकी है, प्लेसमेंट पॉइंट वो डालना, 15 पॉइंट है पहले तो। अगर आप लोग का 80 या 100 के अराउंड भी हो रहा है ना, अगर आपका पॉइंट ओवरऑल, तो भी XTR आप क्वालिफाई हो जाओगे, पर फाइनल कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी वो तो मैं कल ही बता पाऊँगा, अभी तुरंत तो नहीं बता पाऊँगा। ये देख लो आप स्ट्रीम भाई, बंदे लोग बोलते ज़रूर है कि स्ट्रीम स्नैप हो रहा है आप डीले डालो, पर भाई वो लोग ये नहीं समझते, फिर रिप्लाई मेरा भी लेट आता है ना। अरे अरे कोई बात नहीं ब्रो, दो मैच के तो आप पर दिखा दो। हाँ ये रहे दो मैच के भाई, डीले भाई लोगों पे स्ट्रीम चालू ही नहीं हुई भाई, स्ट्रीम चालू करो भाई, स्ट्रीम ही चालू नहीं किया भाई। गजब बंदे गरुड़ा भैया, प्रो एकदम ही प्रो। डिस्कॉर्ड पे टैप मत करना, वो अभी चालू ही नहीं हुआ है। हाँ आ जाओ ऊपर, आ जाओ वापस, टीम बनाते टाइम। मिल्ला का वीडियो देखो भाई, मिल्ला वीडियो कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा जो तुमने बनाया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों, हाउ टू रजिस्टर में डाला नहीं, फोन से ही डिलीट मार दिया? अच्छा आते ही नहीं है क्या इसमें, मेरे को नहीं पता था। ओके थैंक्स ब्रो, आज माइक ऑन कर लेना याद से भाई, कल माइक ऑफ करके। हाँ भाई 20 मिनट तक मैं माइक बंद करके मैं भी कास्टिंग कर रहा था बिल्ला कल। नहीं मैं तो माइक बंद करके कर रहा था।
तो कास्ट कौन करेगा? हैकर भाई वॉचिंग नहीं, व्यूज भाई, व्यूज भाई फर्क है, बहुत भाई फर्क है। 7,000 वॉचिंग आती है उसकी, 10,000 का चैनल है उसका। छः हो गया, 28 हो गया। अरे नहीं, मैं दो रूम साथ में हैंडल कर रहा था। हार मान गए, क्या बोले। देख लो, स्टार्ट कर दो। कर दिया भाई, बोलो कुछ स्ट्रीम पे, तो बताता हूँ। आ रही नहीं आ रही है बस। नहीं स्ट्रीम पे नहीं, एक मिनट तो डिस्कॉर्ड पे म्यूट करने दो। डिस्कॉर्ड पे म्यूट कर रहा हूँ, आप बोलो। भाई पहले तुम अपनी स्क्रीन तो विजिबल करो, और आवाज़ भी नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है, नहीं नहीं आ रही।
भाई मेरे को ये स्ट्रीम करा क्यों रहे, मेरे को बताओ कि लोगों पे। अच्छा अभी चालू किए भाई, बॉट भी नहीं लगाए, बॉट भी नहीं लगाए भाई। अरे लोगों पे उनको लगाने लगाए नहीं है। भाई घंटा इंडिया वालों को पता भी है, लोगों 6,000 लोग 10,000 लोगों को तो पता होगा, उसमें से बताओ एक साथ अलग अलग स्ट्रीम पे होंगे 15 से 20 हज़ार बंदे, कोई चांस है? ये लो ऑफलाइन भी चलेगा। स्टार्ट करो। रूम में आ सकता हूँ क्या? हाँ आ जा मजिन, पटक से आ जा, पट से आ, पट से।
प्राइस क्या है? प्राइस 100 रुपीस का है हमेशा की तरह। एक मिनट में स्टार्ट भी कर दूंगा रूम। बैड क्वीन हैकर है। बैड क्वीन कहाँ पे? कहाँ पे है मैसेज? बैड क्वीन नाम का तो बंदा ही नहीं दिख रहा। कहाँ है माजिन? बैड क्वीन है कर। अरे कहाँ है बैड क्वीन? कहाँ है? कहाँ? कहाँ रूम में? कहाँ है माजिन? कहाँ है? स्लॉट कौन सा है? स्लॉट स्लॉट बता। स्लॉट मेरे 20 की सुपर चैट क्या कहाँ गई? वो तो एरर करेगा ना भाई। बात मैं कहाँ से करूँ कुछ भी? कुशाल एरर को मैंने दे दिया है कॉन्टैक्ट, उससे बात करना है उसको। मैं थोड़ी पे कर रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ आप बताओ ना। एरर भाई वाली? हाँ एरर भाई वाली बोल रहा हूँ। एरर का पेमेंट तो 120 मैंने बोल दिया था कि एरर को पे करना है। अभी वो एरर बात किया होगा तो फिर होगा। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? अगर बात वो नहीं किया होगा तो मैंने तो दे दिया था आईडी जो भी हैंडल है कि वहाँ से जाके बात कर लो। मैच 3 कहाँ स्ट्रीम हो रहा है? मैच 3 बिल्ला के में हो रहा है। मैं रुको आईडी उसका वो दे देता हूँ लिंक तुम्हें। मैच 3 बिल्ला कर रहा है। ये रहो बिल्ला का लिंक। बिल्ला का लिंक मैंने दे दिया। गया वो एरर भाई वाली। भाई ये गाना क्यों चालू रखते हैं भाई? लास्ट वो बंदे का वेट कर रहा हूँ मैं बस। बैड जोकर ये कौन है? मेरे में से नहीं। किसी का एग्जिट हो गया, उसको आने दो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई इनवाइट करो, मैं कर तो रहा हूँ। स्टार्ट कब होगा? बस 1 या 2 मिनट में। एक बंदे का एग्जिट हो गया, वो एंटर हो जाए फिर स्टार्ट करते अपने। एक बंदा है उसका एग्जिट हो गया है, उसका वापस से एंट्री हो जाता है फिर अपने स्टार्ट कर देते हैं। की मैंने बस एक बंदे का वेट हो रहा है, वो आ जाएगा तो अपने स्टार्ट कर देंगे। आप चिंता मत।
यहाँ पे है उसका स्लॉट। ओके आ चुका है, मैं ऑल पे अब एक और बार डाल के स्टार्ट कर रहा हूँ। कितने बंदे आपको इकतीस बंदों की लॉबी बन चुकी है, अपने स्टार्ट करेंगे अपना पहला मैच। यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हमारा, स्टार्ट करो जल्दी एकदम। अपन भाई बंदे नहीं है, थोड़ा सबर कर लिया करो यार, थोड़ा सा सबर तो करना ही चाहिए। यहाँ पे हमारा मैच शुरू हो चुका है, जो पहला मैच है हमारा आज का इसके थ्रू और बुको के थ्रू पहला मैच है। टोटल 26 ही बंदे और चार बंदों का एक्सिट हो गया था। नाइस, यहाँ पे एक 100 रुपीज का जो प्राइस पूल है उसके लिए सारे बंदे खेलने वाले हैं। डीले इसमें भी है स्ट्रीम पे, पर वो कोई फायदा मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होने वाला है। मैं एक बार बिल्ला को बोल देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए ताकि वो भूले ना। यहाँ पे प्लेन निकल चुका है, प्लेन जा रहा है लिपुका से पानी की तरफ, जो कि पानी है क्रीमोस और मिलिट्री बेस के पास का। टीम्स यहाँ पे बहुत ही स्कैटर होकर उतरना चाहिए क्योंकि उन सबको पता है कि यहाँ पे सिर्फ मैच जीतने से कोई मतलब होने वाला है। अगर आप बीच में कहीं मर जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरे टीम वाला एग्जिट किया अभी माजिन, वो उसका मर्जी, क्या बोलूँ मैं, उसको एग्जिट करना था तो उससे कर दिया। टीटीजी की जो यहाँ पे बंदा है वो यहाँ पे ड्रॉप ले रहा है अपने टीममेट के साथ रिपोका में। एक्सटीआर के बंदे गए हैं मेंशन की ओर, कार्तिक को देखा जाए तो वो यासान्या जा रहे हैं, उनके आसपास फिलहाल कोई नहीं है। नंबर टू की टीम को देखा जाए तो ये कहाँ जा रहे हैं, अपार्टमेंट जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, और कोचिंग की जा रही है 2 से 3 की, तो यहाँ पे फाइट इनकी जरूर हो सकती है। और ये जो बंदा है जो कि है सोल बॉयफ्रेंड, ये सोलो बंदा है, जा रहा है 14 हाउसेस की तरफ, लूट वहां करना चाहेगा। टीओ का बंदा यहाँ पे है फिलहाल, लूट अब यहाँ पे करेगा। मैं कर देता हूँ गेम साउंड चालू, पुश कर रहे हैं क्या यहाँ पे टीम एफर को पता है, किंतु पुश हो रहा है पीछे पर टीम एफर यहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि टीक्यू को मिल चुके हैं पिस्टल अपने टीममेट के साथ, यहाँ पे कंपाउंड लूट कर रहे हैं। माजिन को देखा जाए तो माजिन सोलो अपना यहाँ उतरा है, साथ में उनका है सोल आदित्य, और मेरे ख्याल से माजिन हवा में ही मारेगा। नहीं, यहाँ पे आई एम यश ने एक बंदे को फिनिश कर दिया है। सोल आदित्य देखा जाए तो दूर ग्लाइड करके जाना चाह रहे हैं, अपने कवर देखना चाहेंगे, गन पहले उठाएंगे फिर उसके बाद लेंगे माजिन से फाइट, या फिर फाइट नहीं भी लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। माजिन यहाँ पे VSS लेके स्काउट करना चाह रहे हैं, बंदों को स्पॉट करना चाहेंगे, जहाँ पे उनको दिखेंगे वहाँ पे फाइट भी एंगेज करेंगे मेरे ख्याल से। यहाँ पे कूद के छत पे लूट कर रहे हैं, फिर से VSS मिला है और माजिन ने देखा जरूर है कि वहाँ उस तरफ बंदा उतरा है, तो फिर उनको एक एडवांटेज है। कोचिंग की में फाइट हो रही है, ड्रैगो की टीम ने एक बंदे को ऑलरेडी मार भी चुके हैं, सामने 3 बंदे और हैं। और कोचिंग की में देखा जाए तो अभी टोटल कितने बंदे हैं, टोटल देखा जाए तो 5 बंदे, एक है ड्रैगो की टीम, एक है टीबी इजराइल की टीम और उनका टीममेट यहीं पे इनके पास में ही है। शेडो को देखा जाए तो शेडो कंपाउंड लूट रहे हैं स्कूल और कोचिंग के बीच के, और इंडियन लॉबी का एक बहुत ही प्यारा, उनका खुद का प्यारा ड्रॉप स्पॉट अपार्टमेंट पे, यहाँ पे 2 बंदे लूटते हुए। यहाँ पे ड्रॉप लेस तो नहीं हुआ क्योंकि बंदे कम थे, तो और ये ऑफलाइन है तो जोन पानी से ही मर जाएंगे, उनको देखिए कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डिटॉक्स को देखा जाए तो अपने बंदों के साथ है, ये अघोरी हैं और डिटॉक्स हैं। नाइस नाइस भाई, इसराइल के साथ यहाँ पे देखा जाए तो लूटअप कम्प्लीट कर रहे हैं अपना कोचिंग के अंदर,
कोचिंग के अंदर ही है फिलहाल, फाइट भी यहीं पे लेना चाहेंगे। शैडो को देखा जाए तो स्कूल के वहीं पे जो पीछे वाला अपार्टमेंट में लूट अप कर रहे हैं, और मैं जैसा मैंने बोला था प्रकाश जो है पानी से मरेंगे और मर भी चुके हैं। स्कूल अपार्टमेंट के ऊपर लूट अप उनका कंप्लीट होता हुआ, बट गेमिंग देखा जाए तो अपने टीममेट जो है सन्नू उनके साथ यहाँ पे लूट कर रहे अपना कंप्लीट। नंबर सिक्स की टीम मिलता उतरी है और डी टी जी ट्राई आउट जो है वो उतरे हैं लिपोक्ता में, यहाँ पे लूट अपना कंप्लीट कर रहे हैं। एक्स टी आर बॉस को देखा जाए तो उनके पास है एम फोर और एटीएम और फिलहाल जोन के अंदर है। पर अपने लिए अच्छा कंपाउंड देखना चाहेंगे। वहीं मयूर को देखा जाए तो अपने टीममेट के साथ लूट कंप्लीट कर रहे हैं वो यासान्या में, उनके पास पूरा यासान्या है लूटने के लिए। एक्सटीआर का पॉसिबिलिटी है कि एक्सटीआर राइट की तरफ अगर जाती है यासान्या लूटने के लिए तो उनकी फाइट तब उनसे हो सकती है, पर फिलहाल तो फाइट सिर्फ चलने वाली है कोचिंग की के अंदर, क्योंकि नंबर 11 की टीम का यहाँ पे बंदा स्काउट करना चाह रहा है रेंग रेंग के। लेफ्ट की तरफ देखा जाए तो नंबर 12 की टीम है और राइट की तरफ भी उनके हैं नंबर 3 की टीम। तो यहाँ पे खड़े होके वापस लेट रहे हैं, अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो टीम को साउंड आ जाएगा। आपका पोजीशन रिव्यू करने से पहले आपको एक क्रूशियल नॉक निकाल लेना चाहिए अपने लिए, अगर आप वो कर देते तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा रहेगा। काल पाते हैं या फिर खुद की बनवा देते हैं पेटी, उनके क्लोज बंदा आ चुका है साउंड दे चुके हैं और जो बंदे हैं वो अच्छा रोटेशन दे रहे, थोड़ा कंपाउंड से बाहर जाके पूरा राइट से रोटेट करना चाह रहे हैं। आई एम यश को देखे तो ये भी अपने टीममेट के साथ है, बंदों को स्पॉट पहले करना चाह रहे हैं, अपना पोजीशन रिलीव व्हील देखा जाए तो कर चुके हैं। 16 आदित्य जोन में आ चुके हैं। एक्सएमआर बंदा जो था वो गाड़ी से गिर के मर गया और इनके दो किल कब हो गए? अच्छा एक किल इन्होंने पहले ही निकाल लिया था और जो सोलो बंदा था उसको भी ओपन ने पकड़ के ये लोग क्लियर कर चुके हैं। ड्रैको फिलहाल अपना खाता नहीं खोल पाए। माजिन आ रहे हैं यहाँ सामने और सामने है तीन टीम, एक है सोल आदित्य, सोल आदित्य की फाइट यहाँ पे हुई है और सोल बॉयफ्रेंड ने यहाँ पे कर दिया उनको फिनिश। सामने नंबर 50 की टीम के भी बंदे आ चुके हैं पीछे वाले कंपाउंड में फिलहाल, पर ओवरऑल देखा जाए तो माजिन के पास है वो बंदा, माजिन को साउंड आया जरूर था, यहाँ पे स्पॉट भी हुआ है इनको। माजिन को अगर एक भी बुलेट और हेड पे कनेक्ट हो जाती तो दिक्कत हो सकती थी, यहाँ पे हील करना चाहेंगे और पीछे से उनको थर्ड पार्टी भी हो सकता है तो यहाँ से जल्दी से उनको निकलना पड़ेगा। फर्स्ट एड तो पॉप कर देंगे, एक ही फर्स्ट एड है फिलहाल मेरे ख्याल से। यस उनका डिसीजन बहुत ही अच्छा था, फर्स्ट एड कैंसिल करके यहाँ पे बैंडेज अप्लाई करने का डिसीजन बहुत ही सही था। एक जो अपनी फर्स्ट एड है उसको बाद में फाइट के दौरान यूज़ करना चाहेंगे। यासान्या पे यहाँ पे M4 मार्क करते हुए अपने टीममेट के लिए मयूर, कार्तिक को देखा जाए तो वो इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज में। माजिन पे थर्ड पार्टी हो सकता है, उसको यहाँ से जल्दी निकलने की ज़रूरत है क्योंकि उसके जस्ट पीछे बंदे, पर पीछे वाले बंदे क्या एंगेज होना चाह रहे हैं? मेन क्वेश्चन वो होता है कि वो थर्ड पार्टी करना चाहते हैं या नहीं चाहते, पर मुझे नहीं लगता कि ये लोग थर्ड पार्टी करना चाह रहे हैं। सीधा सीधा यहाँ से निकलेंगे और माजिन दे रहे हैं मिनी से रेड डॉट पे शॉट गाड़ी पे और गाड़ी के टायर यहाँ पे ले लेंगे, सामने के टायर नहीं आपको पीछे के टायर पहले ले लेना चाहिए, पर मेरे ख्याल से माजिन वो भी पहले ही कर चुका है और अलग एंगल बना के फाइट लेना पक्का चाह रहा है। और पीछे वाले बंदे भी एक्टिव हो चुके हैं, राउंड की तरफ चलते हैं। अघोरी यहाँ पे क्लोज आ चुके हैं, माजिन को अब हो सकती है थोड़ी सी दिक्कत, ओपन में है फिलहाल इनके लिए। माजिन के व्यू चलते हैं, उनका थर्ड पार्टी होने वाला है क्या उनको आइडिया है? मेरे ख्याल से उनको आइडिया नहीं है। अघोरी एकदम क्लोज आ चुके हैं और माजिन का साउंड आया था इनको, तुरंत लेट गया और माजिन गाड़ी लेके यहाँ से निकल रहे हैं। अलग एंगल बना के फाइट लेना चाहेंगे अघोरी और डिटॉक्स को देखें तो पीछे से वो आते हुए गाड़ी को वापस बुलाना चाह रहे, पर माजिन सोलो बंदे जो हैं उन्होंने दिखाई है होशियारी, अलग एंगल से दोनों टीम्स के साथ साथ में फाइट लेने का शायद सोच रहे हैं।
गाड़ी घुमा रहे उनके मुंह के सामने से, अगर बंदा अच्छा रहता तो फिर वो गाड़ी से भी यहाँ गिरा सकता था। यहाँ पे अगोरी के बेवे पे चलते हैं, वो तो गोल गोल ही घूम रहे गाड़ी के राउंड। और इसका फ़ायदा सोल बॉय फ्रेंड को हुआ है, वो निकल चुके हैं ऊपर। यहाँ पे डिटॉक्स को स्पॉट किया है पर मार नहीं रहा, अभी मारना चालू किया है पर बुलेट अभी स्टैंड किया पर कनेक्ट ही नहीं, एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं कर पाए। माजिन ओपी को देखा जाए तो सामने चल के क्यों जा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे अघोरी ऊपर ही हैं और अघोरी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं अगर स्पॉट करते हैं तो। माजिन को घर जाने से पहले स्पॉट किया है, स्पॉट हुआ होना चाहिए, माजिन मुँह के सामने ही ओपन में खड़ा था पर मेरे ख्याल से अभी नहीं हो पाया। ये तो यहीं पर रुके हुए हैं, माजिन पे आ रहा है पुश। माजिन क्या यहाँ पे नॉक निकालेंगे, खड़े हो चुके हैं, नॉक निकाल चुके हैं वापस गेट में। माजिन ने किया यहाँ पे नॉक फिनिश एक बंदे को, और एक और बंदा राइट से आ रहा है, थोड़ा गलत टीपी भी ले रहे हैं। सामने वाले बंदे को पीओवी होना चाहिए मेरे ख्याल से, डिटॉक्स को नहीं, उन पर एंगल नहीं है। थोड़ा सा और लेफ्ट जाएंगे तो माजिन को ज़रूर स्पॉट कर सकते हैं वो। क्या लोगों पे स्ट्रीम लैग हो रही है, अघोरी और डिटॉक्स को देखें तो पीछे से वो आते हुए गाड़ी को वापस बनाने जा रहे हैं पर आवाज़ बहुत ही अजीब सी आ रही है मेरी लोगों पे, आई डोंट नो क्यों। माजिन को क्या पता चल गया कि बंदा राइट में है, आई थिंक सो उनको पता चल गया कि बंदा राइट में क्लोज में कहीं है, पर लूटने जा रहे ओपन में ये भारी पड़ सकता है इनको, क्योंकि सामने वाला बंदा सामने वाले बंदे को पता चल चुका है कि माजिन ओपन में लूटने आए। यहाँ पे क्या रैंडम स्प्रे देंगे, यहाँ पे स्प्रे देने के लिए स्कोप खुला है पर स्प्रे नहीं दे रहे, वहीं फाइट हो चुकी है। ड्रैको अपनी टीम से अकेले बंदे बाकी है, आई एम एस को कर दिया गया नॉक, छत पे बंदा स्पॉट हो रहा है। यहाँ पे पूरा हल्का सा डैमेज भी पड़ा है, ड्रैको का पी ओ वी हम लेना चाहेंगे, 1v2 का सिचुएशन उनके लिए। नेड करना चाह रहा है सामने वाला बंदा, यहाँ पे हेड जरूर एक कनेक्ट किया है पर वो इनफ नहीं था नॉक निकालने के लिए, अपने बंदे को शायद ही बचा पाएंगे। यश की एसपी काफ़ी लो हो चुकी है, इनको पीछे आना पड़ेगा, इसराइल से कवर मिलना चाहिए। ड्रैको के टीममेट को जो है कर दिया गया है फिनिश, यहाँ पे देखा जाए तो डिटॉक्स को भी फिनिश कर चुके हैं सोल बॉयफ्रेंड। और यहाँ पे माजिन और इनका 1v1 का फाइट होने वाला है, ओपन से आ रहा है बंदा, यहाँ पे डैमेज देके तुरंत कवर में आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा स्ट्रेटजी, एक भी बुलेट का डैमेज नहीं खाया खुद, एक एचपी किया है। अब इनको पुश कर देना चाहिए, अगर सामने वाला हील कर सकता है तो उसके बाद आपको हो सकती है दिक्कत, पर सामने वाले ने नहीं किया हीलिंग, एक बुलेट किया है वो, आपको बस एक बुलेट कनेक्ट करनी। ड्रैको ने एक बंदे को वहीं पर नॉक कर दिया, ड्रैको की पीओवी पे हम लोग तुरंत ही चलते हैं। ड्रैको ने दोनों बंदों को यहाँ पे कर दिया क्लियर, 1v2 बहुत ही प्यारा निकाला पर हमने पीओवी दिखा नहीं पाए क्योंकि दूसरी तरफ तुरंत ही फाइट चालू हो गई थी, मैं उधर चला गया था। कार्तिक को यहाँ पे देखे तो अपने टीममेट के साथ होल्ड कर रहे हैं, माजिन रोटेशन देंगे तो उनकी फ़ाइट कार्तिक के साथ हो सकती है। यहाँ पे नंबर 6 की टीम की फ़ाइट है, सामने स्कूल पे हैं बंदे, जो सामने बंदे हैं वो देखा जाए तो अपार्टमेंट वाले बंदे जो अपार्टमेंट में उतरे थे, और नंबर 6 की टीम यहाँ पे आके कर रही है पुश। क्या ये पुश सक्सेसफुल होगा या नहीं वो तो देखने वाली बात होगी, मैं एक सेकंड ग्लिच को चेक कर लूं। हील करना पड़ेगा, हील नहीं कर पाएंगे मर जाएंगे। एंड यहाँ पे टीम आए हैं, यहाँ पे चिकन निकाल चुकी है, बहुत प्यारा खेल रहे हैं, यहाँ पे नेट कर रहे हैं पर ये नेट बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होने वाला है, बहुत प्यारा नेट कनेक्ट होने नहीं वाला था पर बंदा खुद आके नेट पे खड़ा हो गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं मतलब बहुत बढ़िया, नेट का कोई भी चांस नहीं था फटने का, उनके जहाँ पे एम कर रहे थे बंदा चल के जाके वहीं पे नीड कर रहा है, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए भाई, मतलब आप जाओ खुद ही नीड में जाके खड़े हो जाओ, हम तो कहीं भी फेंकेंगे नहीं, ये बहुत बढ़िया था। यहाँ पे बंदे का सिचुएशन है इनके लिए, एक बंदे को नॉक भी किया पर उतनी देर में रीलोड आ गई, रीलोड अगर नहीं आई होती या फिर अगर गन चेंज कर ले तो हो सकता था 1v2 भी यहाँ पे कर जाते। मयूर यहाँ पे अपनी टीममेट के साथ अभी भी लूट कंप्लीट कर रहे हैं। XCR को देखा जाए तो वो रोटेशन देना चाह रही है, CR को देखा जाए तो होल्ड कर रही है फिलहाल, ये लोग घर के ऊपर कहीं भी जाना नहीं चाहेंगे। उनके पीछे से आ रही DPG के बंदे, यहाँ पे उनके फिलहाल एक भी किल नहीं है, 9 टीम्स अभी भी बाकी है, 14 बंदे हैं जिसमें से। और यहाँ पे स्कूल को कॉन्कर करते हुए नंबर 2 की टीम जो यहाँ पे थे वहीं वो यहीं पे ही हैं। सॉरी
कार्तिक और मयूर को देखा जाए तो वो लोग कोचिंग के अराउंड जा रहे हैं, जहाँ जो कि है बहुत ही ज़्यादा क्लोज इसके ड्रैको के। और ड्रैको को स्पॉट हुआ है क्या बना? यस, उनको साउंड आ चुका है, वो फाइट में एंगेज करना चाह रहे हैं। ड्रैको को तो हम लोग देखना चाहेंगे क्या यहाँ पे अभी भी फाइट अपने लिए उठाएंगे या नहीं। ऐसे ले लिया गया हमारे द्वारा, ड्रैको यहाँ पे और दूसरी टीम ही रोटेट कर दी है। माजिन आ चुके हैं यहाँ पे, ऊपर रिज पे रुके हैं, स्क्वाडोस पे टीपी भी वो एंगल बनाना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं बंदों को, देखना चाहेंगे कि वहाँ पे बंदे हैं कि नहीं, अगर होंगे तो शायद फाइट भी लेंगे यहाँ पे। पर गाड़ी में गेट इन किया था, वापस से उतर गए, कहीं और जाना चाह रहे हैं। सेकेंड मेरे देखा जाए तो कूप उठा लिए इन्होंने, कूप लेके निकलना चाहेंगे रोटेशन देते हुए पोचिंगी के अराउंड। जोन के अभी भी अंदर है, चाहे तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं, वेट करना फायदा रहेगा कि नहीं वो तो देखने वाली बात होगी। सामने वाले मेरे ख्याल से स्क्वाड हाउस जाना चाह रहे, पर कार्तिक वहीं पे हैं, माजिन को इसमें दिक्कत हो सकती है। क्या माजिन यहाँ पे आएंगे या कहीं और जाएंगे? उनके पीओवी पे हम चलते हैं, नहीं उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहीं और ही जाएंगे। वहीं शेडो बीस्ट को देखें तो वो फ़िलहाल यहाँ पे हैं, ये वाले स्क्वाडोस पे। तो बंदे स्क्वाडोस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं होल्ड करने का। नंबर सेवन की टीम यहाँ रिज के ऊपर होल्ड कर रही है, रुइंस का ऊपर वाला रिज, क्योंकि बहुत ही प्यारा रिज होता है। यहाँ पे ड्रॉप के पास जा रही है, मेरे ख्याल से ड्रॉप को लूटना चाहेंगे लोग, ड्रॉप इनके जस्ट सामने ही है। शेडो हल्का सा मूवमेंट दे रहे हैं, माजिन यहाँ पे आ चुके हैं रिज के ऊपर। रोजॉक की यहाँ पे रहना इनके लिए सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि अपनी टीम से सोलो बंदे हैं, तो इनको यहाँ से हटना चाहिए, कहीं और जाना चाहेंगे। यहाँ पे उनको शॉट्स आ गए, स्कूल में हो चुका है स्लैम, डी टी जी के बंदों ने किया है स्लैम। सामने नंबर टू की टीम के बंदे, यहाँ पे दो बंदे डी टी जी ट्राई आउट, और यहाँ पे घोरखाल जो हैं वो कर रहे हैं पुश। सामने नंबर टू की टीम के बंदे नॉक जरूर हुए थे पर फिर हो चुके हैं रिवाइव, हील करना चाहेंगे। यहाँ पे डीपी लेके वेट कर रहे हैं बंदों का, नेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे सामने वाली टीम के बंदे, और इन्हों भी ने भी किया है नेट, पर फिलहाल ये नेट से डैमेज तुरंत तो नहीं पड़ेगा। पर पीछे से आ चुका है माजिन मेरे ख्याल से, यस माजिन आ चुका है यहाँ पे। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से ट्राई कर रहा है करने का नंबर 49 की टीम के बंदे, पर उसको मौका नहीं देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि थर्ड पार्टी वो करे। यहाँ पे फाइट एंगेज कर रहे हैं वो लोग, और यहाँ पे माजिन को रीड करनी चाहिए किल फीड, उनको पता होना चाहिए एक बंदा नॉक हो चुका है वहाँ पे थर्ड पार्टी का, उनका पूरा चांसेस है यहाँ पे, वो थर्ड पार्टी कर भी सकते हैं। नेड कर रहे हैं यहाँ पे, उनको पता चल गया एक टीम ऑलरेडी डेड हो चुकी है। नंबर 49 की टीम के बंदों पे कर रहे हैं पुश, एक बंदे को मॉली से नॉक भी किया है, दूसरे बंदे पे करना चाहेंगे पुश, यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे उनको। यहाँ पे प्री फायर दिया जा रहा है, एक बंदे को फिनिश भी कर दिया इन्होंने, और भी बंदों को क्लियर करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। दूर में जो बंदों को स्पॉट किया है वो लेट एक्स पे शॉट देना चाह रहे हैं, सामने वाले बंदे लेट के स्प्रे दे रहे हैं। आपको कंटिन्यूस पीक नहीं देनी चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको ध्यान रखना चाहिए इस बारे में। यहाँ पे रूम हमें दूसरा भी क्रिएट करना है। सामने देखा जाए तो कार्तिक लोग अभी भी सेम ही जगह पे होल्ड कर रहे हैं, उनको उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सेम जगह वो वेट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लो हो चुके हैं, माजिन को भी एक बुलेट कनेक्ट किया है उन्होंने, पर माजिन वापस आने का नाम नहीं ले रहे। खुद हेड दिया है पर खुद भी हेड खा लिया है, तो अब तो इनको हील करने के लिए अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब एक भी बुलेट खाते हैं तो इनको हो सकती है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, जो कि वो नहीं चाहेंगे, और अभी फाइट कंटिन्यू करना ही चाहेंगे। यहाँ पे उतर चुके हैं नीचे, दूसरी तरफ जाना चाहेंगे और फिर फाइट एंगेज करना चाहेंगे। देखा जाए तो स्कूल अपार्टमेंट तो अपने लिए क्लियर कर चुके हैं, यहाँ पे कार्तिक अपने लिए एक किल निकाले हैं,
और XTR को देखा जाए तो जोन के एज पे जो कंपाउंड वो बहुत देर से होल्ड कर रही है वो जोन पे आए जा रहा है, तो उनको कहीं भी मूवमेंट देने का फिलहाल तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनको वहीं पे रुकना है और होल्ड ही करना है। जोन इनकेस अगर उनसे कटता है तो शायद अंदर जाना चाहेंगे। यहाँ पे शेडो को देखा जाए तो वो पानी से रोटेशन दे रहे हैं अभी। यहाँ पे रोटेशन देते हुए नंबर 14 की टीम सामने है। पीछे से देखा जाए तो रूइंस वाले बंदे आ रहे जो कि नंबर 7 की टीम थे, वो और क्लोज इन देना चाहेंगे जोन के अंदर, अपने लिए एक सिक्योर पोजीशन बनाना चाहेंगे ताकि उनको बाद में दिक्कत ना आए जोन की एंट्री। और गाड़ी ठोक दी इन्होंने स्क्वाड हाउस में, ऊपर जाके स्काउट करना चालू करेंगे, वेट करेंगे बंदों के आने का, फिर उसके बाद लेंगे फाइट, क्योंकि उन्होंने होल्ड इसलिए किया है। माजिन को यहाँ पे देखे तो उनके सामने से गाड़ी जा रही है, उनके सामने से गाड़ी जा रही है और वो फिलहाल ना एंगेज नहीं हुए, वो फिलहाल यहाँ पे वेट कर रहे हैं बंदों का कुछ तो भी, और शायद एएफके हैं। ड्रैको देखा जाए तो वो भी स्क्वाड हाउस ही होल्ड कर रहे हैं, तो सारे बंदे प्रेफर कर रहे हैं कि एक एक स्क्वाड हाउस उनके नाम हो जाए। फाइट हो चुकी है यहाँ पे नंबर 14 की टीम की, शायद एक नेड से शेडो ने, यस एक नेट से दो बंदों को उड़ा दिया है। मेरे ख्याल से दोनों बंदों सेम जगह पे आ गए थे और एक ही नेट से शेडो ने दिखाया यहाँ पे मिरेकल, कर दिया है एक टीम पूरी वाइप। कार्तिक को देखा जाए तो अपने टीममेट के साथ वो ब्लू घर पे फिलहाल हाइट में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं बंदों के आने का। माजिन ओपी यहाँ पे वेट कर रहे हैं वो भी बंदों को ओपन में आने का, स्काउट जरूर कर रहे हैं पर उनके अभी विजन में कोई भी नहीं आएगा। XTR बॉस अभी भी सेम घर को ही होल्ड करके रखे हुए हैं, वो फिलहाल के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे एक्टिव तो हैं पर फिलहाल मूवमेंट जरूर नहीं दे रहे हैं। ड्रैक को भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं दे रहे, बैठे हुए हैं। शेडो को देखा जाए तो वो स्काउट करना चाह रहे हैं, उनके पास AWM भी TATX है, तो जितने भी सोलो बंदे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर इनका एक भी शॉट हेड पे कनेक्ट हो जाता है तो वो जाएंगे सीधा सीधा लॉबी। यहाँ पे शैक फिलहाल के लिए होल्ड करे, TPP लेके स्पॉट भी करना चाहेंगे शायद रिच पे अगर बंदे आते हैं तो, पर अभी के लिए तो इनको कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि आगे कोई बंदा ही नहीं है। टोटल 60 में लाइव है, 8 बंदे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि दो ही टीम फिलहाल के लिए लाइव है, दो प्रॉपर दो दो की टीम अलाइव है, बाकी सारे बंदे सोलो सोलो हैं। सोलो मैन सर्वाइविंग अपनी टीम से या तो सोलो एंटर किए थे या तो देखा जाए तो वो लोग सोलो ही बाकी रहे हैं। माजिन यहाँ पे मिनी के साथ खड़े हैं, उनके पीछे हैं ड्रैको। ड्रैको देखते हैं क्या करना चाह रहे हैं, ड्रैको क्या मूवमेंट दे रहे हैं। नहीं, ड्रैको भी कोई मूवमेंट नहीं दे रहे, वो फिलहाल होल्ड करके ही रखे हैं, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब हुए हैं खड़े, उनको शायद पता चल गया कि XTR के बंदे वहाँ पे हैं, तो फिर उनको तो दिक्कत नहीं होगी। इनको अगर ऑलरेडी पता है कि XTR के बंदे वहाँ से आने वाले हैं तो ये इनको ज़रूर सरप्राइज अटैक दे सकते। स्कारल विद 6x भी ऑन करते अपने हाथ में। इधर देखा जाए तो M249 है इनके पास और साथ में AWM। भाई एक सेकंड में चेक कर लूं क्वालिटी मेरी कम है या फिर ऐसे ही कम आ रही है। भाई क्वालिटी इतनी कम आ रही है वीडियो की, बढ़ाना पड़ेगा भाई प्रेम। सामने ड्रॉप की तरफ वापस से जा रहे हैं, एक और ड्रॉप लूटना चाह रहे हैं शेडो। और यहाँ पे जो कार्तिक है उनका क्लैश हो सकता है सामने XTR की टीम के साथ। XTR की टीम के बंदों को देखे तो अपार्टमेंट जाके रुक चुके हैं और उनके साथ पीछे से आ रही है दूसरी कार्तिक की टीम। क्या ये भी यहीं पर स्लैम देने वाले? यस, ये भी यहीं स्लैम देने वाले, पर दूसरे घर पर इन्होंने दिया स्लैम, तो तुरंत तो फाइट इन टीम्स के बीच में नहीं होगी, थोड़े देर में यहाँ पे फाइट एंगेजमेंट हो सकती है। यहाँ पे
होल्ड करते हुए छत को और एक्सीआर के बंदे को देखे तो फिलहाल वो वापस से आके बैठ गए हैं सीढ़ी पे। उनको फाइट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। माजिन को देखा जाए तो माजिन अपनी छत पे अभी भी है, गाड़ी लेके पर यहाँ से जाना चाहेगा। ड्रैको अभी भी अपना ही जो जगह पे रुके थे वहीं पे रुके हुए हैं और शेडो बीच जो हैं स्पॉट करना चाह रहे हैं। रोजॉक के बीचों बीच हैं, वेट कर रहे हैं यहाँ पे एंटर करने का। आईडी पास यहाँ पे मांगा जा रहा है, आईडी पास बिल्ला ने कर दिया है प्रोवाइड। माजिन अगर स्पॉट होते हैं इस एंगल से स्पॉट तो होना चाहिए अगर माजिन छत पे घूम रहे हैं तो, और अगर स्टेबल एक सेकंड के लिए भी मिलता है तो तुरंत ही क्लियर भी करना चाहेंगे यहाँ पे फाइट को। माजिन फुल एटैक्स पे बंदे को स्पॉट करना चाह रहा है और एक्सीआर के बंदे तो एंगेज हो ही नहीं रहे। दूसरे बंदे को देखिए ग्राउंड पर जो है ये लोग भी एंगेज नहीं हो रहे, पर कार्तिक थोड़ा ओपन में है, अगर ऊपर बंदे आ जाते तो दिक्कत हो सकती है, तो उसका ज़रूर उनको ध्यान देना पड़ेगा। पांच टीम टोटल अलाइव, सात बंदे हैं यहाँ पे, दो प्रॉपर टीम्स हैं, उनका एक अपर एंड आता है। अगर वो एक बार गलत तरीके से 100 का डैमेज भी खा लेते हैं तो उनको एक मिलेगा चांस रिवाइवल का, पर बाकी बंदों के लिए होगा ये नहीं सीन। बग्गी लेके जोन इनको जाना पड़ेगा, इनके पास बग्गी है। माजिन को भी जोन निकलना पड़ेगा और ड्रैको को भी जोन निकलना पड़ेगा। देखा जाए तो माजिन रोटेशन क्या चालू कर चुका है, यस बूस्ट कर लिया है, बूस्ट करके गाड़ी में बैठ के रोटेशन देना चाहेगा। एक्सीआर के बंदे देखा जाए तो जो एच वाले घर पे हैं वो जोन में तो है, पर क्या वो और आगे जाना चाहेंगे, एक अच्छा कंपाउंड अपने लिए होल्ड करना चाहेंगे, वो तो होगी देखने वाली बात। माजिन राइट से जा रहे हैं, बाकी दोनों बंदे लेफ्ट से जा रहे हैं, तो अगर स्कूल जाके भी वेट करते तो उनको फ़िलहाल फाइट किसी के साथ करनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे रिच पे क्या सोच के रुक रहे हैं मुझे नहीं पता, इनको जाने की ज़रूरत है। ड्रैको भी निकल चुके हैं डासिया लेके, वापस से उतर गए, निकले थे वापस उतर गए, आई डोंट नो क्या सोच रहे थे। यहाँ पे शेडो बीस्ट को देखा जाए तो डैमेज खाया उन्होंने अच्छा खासा कार्तिक के थ्रू। कार्तिक लोग आ चुके हैं स्कूल के बड़े से घर में जो कि है स्कूल, और माजिन अभी भी रिच पे हैं, उनकी गाड़ी अटक गई है तो यहाँ पे इनका निकलना गाड़ी से तो पॉसिबल नहीं होने वाला, इनको पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे कार्तिक अच्छा खासा डैमेज देते हुए ड्रैको को, ड्रैको कर चुके हैं स्लैम और ऊपर है शैडो बीस्ट और ड्रैको पे आ रहा है दो तीन जगह से थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी साथ में, उनका स्लैम करना थोड़ा सा दिक्कत हो गया। एम के एन नवदीप मैं नहीं समझा आप क्या बोलना चाह रहे हो, एम के एन मतलब यहाँ पे नंबर 14 की टीम का बंदा AWM लेके शॉट लेना चाह रहा है। सामने XTR के बंदे यहाँ पे अगर शॉट हेड कनेक्ट करते हैं, यस हेड कनेक्ट किया भी है, जोकर को यहाँ पे कर दिया नॉक। सामने है बॉस, बॉस रिवाइव तुरंत तो नहीं करेंगे, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला बंदा पुश कर सकता है, वेट करेंगे पूरा, अगर ओपन में आता है बंदा तो उसको क्लियर करेंगे। पर शेडो भी ये सोच लिए कि अगर मेरे को मारना है तो मैं अभी तो पुश नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ओपन से मुझे जाना पड़ेगा और उसमें मेरी बन सकती है बेटी। माजिन आ चुका है यहाँ पे, माजिन के सामने कार्तिक की टीम जो कि है नंबर 1 की टीम, मयूर और कार्तिक यहाँ पे, उनको पता चल गया कि माजिन आसपास है। माजिन भी अपने पूरे पुश सेव दे रहा है फिलहाल, तो पोजीशन बनाना चाह रहा है अपनी यहाँ पे फाइट एंगेज कर सके उस तरीके से। क्या मयूर और कार्तिक को पता है कि यहाँ पे बंदा है? मयूर ओपन में है, ड्रॉप लूटने जा रहे हैं, अगर माजिन स्पॉट करता तो क्लियर कर देगा। नहीं, पर माजिन AFK है, शायद AFK है, आई करके स्पॉट करने चाह रहा है। अगर सामने वाले रूम में होता तो ज़रूर देखा जाए तो मयूर जो है उसको क्लियर कर सकता था, पर मयूर के पास अब आ चुकी है गिली सूट और साथ में ग्रोजा भी। XTR के बंदे बार बार पीक ले रहे हैं, अपना हेलमेट खो रहे हैं। यहाँ पे XTR बॉस इस बार नॉक हुए हैं, जोकर पिछली बार हुए थे नॉक। क्या जोकर को नया हेलमेट मिला है? यस, जोकर को नया हेलमेट मिला है। अब उनको फिर पर देखा जाए तो बॉस को अब नया हेलमेट अपने से ढूंढना पड़ेगा। AKM से मेरे ख्याल से टैप टैप करने का ट्राई कर रहे थे बॉस ताकि शेडो को क्लियर कर सके, पर शेडो ने दिया एक पट से हेडशॉट। XTR बॉस को दे रहे हैं वापस से हार्ड पीक। यहाँ पे बॉस को देखा जाए तो क्या वो फिर से पीक करने का रिस्क उठाएंगे क्योंकि जोन के बाहर है, 30 सेकंड बाकी है। अगर अब नॉक होते हैं तो इनको आ सकती है दिक्कत। देखते हैं ये नॉक
लेंगे या फिर यहाँ पे क्लियर कर देंगे शेडो को। गाड़ी फोड़ के क्लियर किया जा रहा है यहाँ पे। जोकर ने की इस बार बहुत बड़ी गलती। आपके पास जोन जाने का टाइम नहीं है, आपको 80 मीटर्स जाना है जोन, और इस टाइम पे आप नॉक हो रहे हैं। आपके टीममेट को आपको रिवाइव भी करना पड़ेगा और आपको हील करके भी जोन जाना पड़ेगा, तो आपको हो सकती है अब दिक्कत। शेडो आपको बिल्कुल भी जोन में आने देना नहीं चाहेगा। यहाँ पे दोनों बंदों के हेलमेट नहीं है। बॉस पे आता है हार्ट पीक, यहाँ पे M249 लेके रेडी है, क्योंकि इनको भी पता है सामने वाले बंदे ऊपर से उनको कूदना ही पड़ेगा अगर जोन इनको आना है तो। उनके पीओए पे चलते हैं। यस, वो कूद चुके हैं यहाँ पे, राइट लेफ्ट की तरफ कूद रहे हैं। एक ही फर्स्ट एड है, अगर डैमेज पड़ता है तो क्लियर हो जाएंगे। और ये बहुत गलत डिसीजन था आपके जोकर को, जब आपके पास 30 सेकंड भी नहीं है जोन के लिए, आपको पीक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे फाइट अभी के लिए हो चुकी है, 1v1v3 की फाइट, और क्लियर भी करना चाहेंगे अपनी फाइट को। और यहाँ हेलो, हाँ मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे माजिन एक बंदे को नॉक कर चुका है, माजिन के पीओ पे चलते हैं। मॉली भी कर रहा है, पर ये मॉली से उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सामने वाले बंदे थोड़ा सा लेफ्ट में, उनको नहीं आने वाली है दिक्कत। यहाँ पे हम आईडी पासवर्ड शेयर कर देते हैं। आईडी पासवर्ड शेयर हो गया है। यहाँ पे देखा जाए तो इनको फाइट अभी लेना है माजिन के साथ। माजिन का 1v2 का सिचुएशन वापस से बन चुका है। उन्होंने नॉक ज़रूर किया था, पर क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम ले लिया इन्होंने। कार्तिक को यहाँ पे स्पॉट तो किया था उन्होंने ज़रूर, पर फाइट यहाँ पे तुरंत तो नहीं ले पाएंगे। एंटर करना चाहेंगे, दूसरी टीम जो है उनको आईडी पासवर्ड नहीं मिला है। आईडी पासवर्ड उनको भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। और माजिन हो चुके हैं यहाँ पे क्लियर मयूर के द्वारा, ग्रोसा के थ्रू। और अब हो चुका है शेडो का 1v2 का सिचुएशन, वो भी आ चुके हैं यहाँ पे ब्रोकन वॉल पे। और सामने वाले बंदे मेरे ख्याल से जोन में हैं, मयूर भी हैं जोन में, तो उन लोग को भी दिक्कत नहीं आने वाली है। शेडो को हो सकती है थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि M249 छोड़ के उन्होंने उठा लिया M4। अगर वो अभी भी M249 नहीं रखते तो एक अपर हैंड पे रहते। गाड़ी निकाली है कार्तिक ने, रोटेट करके स्पॉट करना चाहेंगे बंदे को। कार्तिक जोन के अंदर आ चुके, राइट से आ रहे हैं उनके बंदे दूसरे। ये इतना हार्ड पिक इनको भारी पड़ सकता है। मयूर राइट से पुश कर रहे हैं, इन पर कूद के आना चाह रहे, फाइट क्लियर करना चाह रहे अपने लिए, पर क्या यहाँ पे फाइट क्लियर कर पाएंगे। मेन मोटो वो रहता है, नेट कंटिन्यूस आ रहे हैं इन पे। ग्रोजा के अगेंस्ट यहाँ पे इनकी हो चुकी है फाइट, और मयूर ने एक भी गलती नहीं की और क्लियर कर दिया इनको। यहाँ पे देखा जाए तो मयूर और कार्तिक हैं आज के विनर पहले मैच के। दूसरे मैच में देखते हैं, अगर बंदे हमारे नहीं आते तो हम TDM के साथ कंटिन्यू करेंगे, पर मैं दूसरा रूम बना देता हूँ, आईडी पासवर्ड आपको दे दूँगा। तीर्थ नेक्स्ट रूम होगा का? यस, नेक्स्ट रूम ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। यहाँ पे मैं नया रूम बना रहा हूँ, आप लोग को आईडी पासवर्ड भी दे रहा हूँ। दो रूम तो बनेंगे ही ना, एटलीस्ट दो रूम तो बनेंगे। मैं यहाँ पे रूम क्रिएट कर देता हूँ, एक और रूम क्रिएट हो रहा है। अरे भाई क्या लिख रहा हूँ मैं अभी। नेक्स्ट रूम भी क्रिएट हो चुका है, आईडी पासवर्ड मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आईडी पासवर्ड 222 1 222 1 022, और पासवर्ड तो हमेशा की तरह रहता है बैड ही। आप लोग चाहो तो एंटर कर सकते हो, आप खेल सकते हो। प्राइस पुल भी होता है हमारा, प्राइस है हमारा 100 रुपीज़ का प्राइस है यहाँ पे। मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग एंटर करना चालू कर दो तब तक।
से यहाँ पे लिंक्स, यहाँ पे मैं ये शेयर कर दे रहा हूँ नया वाला इसको पिन कर दे, नया ही को पिन कर दे, पूरा नया ही पिन कर देते हैं हम लोग। वहाँ पे मैं डिस्कॉर्ड पे अपने आप को कर लेता हूँ, डिस्कॉर्ड पे कोई है ही नहीं। बिल्ला कर रहा है क्या अभी वाला भी स्ट्रीम? कॉल करके पूछना पड़ेगा उनको। भाई 720p भी क्वालिटी कम है भाई, फट रहा है अभी, फट रहा है। यहाँ से 720 होता है, वहाँ से फिर से 720 होता है, तो कम हो ही जा रहा है ये तो। दो भरना था ना, आवाज क्यों नहीं आ रहा मेरे किसी का भी? अच्छा ईयरफोन, मैं बोलूँ आवाज क्यों नहीं आ रहा? मैंने ईयरफोन ही नहीं लगाया प्रो जैसे भाई, एकदम ही प्रो। दो मिनट में स्टार्ट कर देंगे अपने रूम।
ये बंदा प्राइस क्लेम कर नहीं आया लोगों पे। प्राइस कब मिलेगा मैक्स, प्राइस कब मिलेगा भाई? प्राइस का सीन ऐसा है ना कि आपको मिथिकल अंडरस्कोर गरुड़ा पे वो करना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है अपना स्क्रीनशॉट लेके कि आप मैच जीते हो, और आपको फिर वो प्राइस प्रोवाइड कर देंगे। मिथिकल अंडरस्कोर अरुड़ा गरुड़ा करके है, आपको उस पर डीएम करना है। क्या माउस चाहिए मेरे को? स्ट्रीम चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना एक अपना मंगा ले। हंग भाई एंटर करती मैं चालू कर दूंगा। हेलो आयन, आयन जल्दी से रूम एंटर करो भाई, तुम लोग कितना टाइम लगाते हो, फटाफट रूम एंटर करो। कितना मतलब एक दो दिन लगाना है तुम लोग को रूम एंटर करने के लिए? कृष्णा कृष्णा ब्रो पर एसएस नहीं लिया, मेरे स्ट्रीम से ले लेना ये, इस इधर आ, ये बताना इसका नाम क्या है मेरे को बताना। हाँ इंदिरा क्या INDRA नारुतो, एक सेकंड ना भाई मैं कुछ, एक सेकेंड भाई। हाँ अब बोलो। अरे ये कान में लोग गाना बजा देते हैं ना सॉन्ग का, भाई मेरी स्ट्रीम भी चल रही है ना साथ में। हाँ बोलो भाई। हेलो कौन था? हेलो
कौन बात कौन कर रहा था भाई मेरे से? हेलो सारी बंदे भाई टीडीएम का मैं करा रहा हूँ, बंदे नहीं आ रहे अगर तो 20 बंदे नहीं हुए तो फिर मैं टीडीएम करा दूंगा। भाई एसएस तो लेना होता है ना, वही तो एक रूल होता है। Out of my head, out of my tarara. 17 पे स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, लेट हो जा रहा है वरना। Super boy, super girl, I keep on pissing off.
ऐड करो मेरे को भाई। जान चिकन का एसएस नहीं लिया तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, आप मेरा जो वो है ना पीओवी, उससे स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा एसएस ले लो। अब एसएस लिया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, एक बार एरर को देख ले। I'm sad, no, yeah, I'm sad, no, yeah. बारह ही बंदे भाई, 15 हो चुका है, मेरे को स्टार्ट करना ही पड़ेगा अभी मजबूरी में। 20 क्रॉस हो जाओ, बस 20 क्रॉस हो जाओ। भाई स्ट्रीम पे मेरे को भी देखा करो, देखते हैं भाई जिसका फाइट हो रहा होता है उसको देखते हैं, कभी कभी मिस हो जाता है यार। 16 ही बंदे हो जाते हैं, 15 हो गए, स्टार्ट कर दूंगा मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे हो गया है हमारा मैच स्टार्ट, और जो भी विनर रहता है यार एसएस एटलीस्ट ले लिया करो ताकि मेरे को दिक्कत ना आए वेरीफाई करने में कि हाँ यही बंदा है जो जीता था। और ये बंदी भाई फालतू का चिल्लाए जा रही है, जब मैच शुरू हो चुका है रैको लोग वापस से नहीं आए मैच खेलने के लिए, उनका चॉइस है कोई बात नहीं। बैटरी इज रनिंग टू लो, यहाँ पे इसका कितना है चार्ज? 53 है ना, मेरे को खेलने के लिए वो चाहिए, लैपटॉप निकाल के फोन को चार्ज में लगाना पड़ेगा क्योंकि उससे रूम बन रहा है, तो मेरे डिवाइस की बहुत ही ज़्यादा गलत हालत हो चुकी है। यहाँ पे अभी देखना हम चाहेंगे कि किस टीम का फाइट पहले होता है, कौन सी टीम करती है अर्ली एग्जिट और कौन सी टीम लेके जा पाएगी सिकंदर में। 15 बंदों का मैच है पूरा इरेंगल का, बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंचने वाला है ये। ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में ही फर्स्ट से सेकंड सर्कल में सारे बंदे गन फाइट लेके मर जाएं, पर वैसा शायद ही हो पाएगा। यहाँ पे टॉक्सिक को देखा जाए तो, टॉक्सिक नहीं, आयान को देखा जाए तो क्या एग्जिट कर गए? यहाँ पे ग्लिच हो रहा है मेरा, आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है। प्लेन जा रहा है सवन्नी से होके मिल्टा पावर की तरफ, यहाँ पे देखने को हमको मिलेगा कि कौन सी टीम अर्ली फाइट लेती है। यहाँ पे उतर चुके हैं नंबर 6 की टीम के बंदे सवन्नी की तरफ, उनके क्लोज में क्या बंदा है? यस, बिमनो गेमिंग भी सवन्नी पे ही उतर रहा है, और यहाँ पे नंबर 50 की टीम भी यहीं उतर रही है, तो इनका हो सकता है अर्ली फाइट। क्या
क्या इनकी फाइट में सोलो बंदा निकाल पाएगा विक्ट्री? मेरे को सोलो बंदे का ही पीओवी देखना है फिलहाल के लिए कि उसका पीओवी क्या जाता है। सामने है उनके नंबर 6 की टीम के बंदे और नंबर 50 की टीम के बंदे। यहाँ पे पैन मिल चुका है इनको, क्या यहाँ पे पिस्टल से फाइट निकाल पाएंगे? सामने ऑलरेडी उजी से एंगेजमेंट देखने को मिल रहा है, नंबर 6 की टीम को ओपन में पकड़ा था पर एक भी बुलेट फिलहाल कनेक्ट नहीं कर पाए। क्या यहाँ पे शॉट्स लेते टाइम ये क्लियर कर पाएंगे कि नहीं वो होने वाली है देखने की बात। ब्रोकन वॉल पे बंदा है उसके पास पर उजी है, दूसरे बंदे के पास गन नहीं है। गन देखा जाए तो पिस्टल इनके पास भी है पर ओपन में डीटीजी के बंदे ने इनको पकड़ा है। बिमनो पे भी पुश करना चाह रहे हैं, बिमनो के पीओवी पे चलते हैं हम लोग। उसका है 1v2 का सिचुएशन, पिस्टल ही है इनके पास, इनको कूद के कहीं और जाना पड़ेगा। सामने से बंदा आ गया है मिनी लेके, काफ़ी डैमेज देना चाहते थे पर एक भी डैमेज नहीं दे पाए। दो बंदे अब करेंगे इन पे साथ में पुश। सामने वाले बंदे के पास है उजी, उजी वाले बंदे को पर नॉक निकाल चुके हैं। यहाँ पे अभी भी इनका चांस है बचने का, जिस बंदे को नॉक किया उसको फिनिश कर दिया एकदम जल्दी से। अगर चाहे तो लूट के उजी भी ले सकते हैं ये। यहाँ पे एक बंदे का लॉस वो खा चुके हैं, सामने वाला बंदा भी एक नॉक है। यहाँ पे फर्स्ट एड पॉप कर लेंगे ट्रायआउट को देखा जाए तो, उनको अभी भी होल्ड करना है। उनके पास क्या हीलिंग है? यस बूस्टर है, बैंडेज भी है, बूस्ट करना चाहेंगे। यहाँ पे विमनो को तब तक लूट अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए क्योंकि बंदा जो है वो कूद चुका है। आप उजी लेके चाहते तो फाइट ले सकते थे पर फिर भी देखा जाए तो अभी आप क्लियर कर चुके जो कि बहुत अच्छी बात है। नंबर 50 की टीम का बंदा दूसरे बंदे को छोड़ के भाग गया, बढ़िया, ये भी बढ़िया है भाई। भाई बर्ड गेमिंग के पास उजी और थी UMP, फिर भी आप उसको छोड़ के क्यों चले गए मेरे को ये समझ ही नहीं आया। यहाँ पे देखा जाए तो मयूर उतरे हैं या सानिया में, सामने है पिकाचू और क्यूरस बेरी। यहाँ पे शांति से कैम्प करते हुए लोग फाइट लेना नहीं चाह रहे। मयूर को देखे तो अपने टीममेट के साथ यहाँ पे होल्ड करते हुए, जो टीममेट नॉक हुआ था वो तो फिलहाल डेड हो चुका है। विमनो को देखिए यहाँ पे लूट अप अपना कंप्लीट कर रहे हैं। उनके पास जो भट गेमिंग है शायद ऑफलाइन हो चुके हैं, आई थिंक शायद वो ऑफलाइन हो चुके हैं। 12 बंदे बाकी हैं और एक बंदा तो शायद ऑफलाइन ही लग रहा है, जो जोन के बाहर थोड़ी देर में शायद मर जाएगा अगर ऑफलाइन है तो। यहाँ पे 30 देखा जाए हमेशा की तरह अपने टीममेट गोकू के साथ उतरे हैं इधर जो कि है वाटर सिटी में। फाइट उनकी नहीं हो रही किसी के साथ भी अभी फ़िलहाल के लिए। अभी भी यहीं पे हैं, लूट करना चाह रहे। नंबर 1 की टीम को देखे तो फिलहाल स्कूल में लूट अप करती हुई। फोर्किंग आयान को देखे तो मिनी लेके ओपन में चल रहे और दीवार पे गोली मार रहे। टॉक्सिक यहाँ पे पुचिंगी में अकेले घूम रहे हैं और मयूर निकल गए आसानी से नहीं, फिलहाल मुझे लग रहा था निकल गए पर निकले नहीं है। वो लोग सी बिल्डिंग के ऊपर फिलहाल लूट अप कर रहे हैं। वर्किंग अमन कंपाउंड की तरफ आ गए हैं, लूट अप करना चाह रहे हैं। उनकी मिनी में गोली नहीं है, 15x0 गोली है। टॉक्सिक को यहाँ देखे तो पुचिंगी लूट अप कर रहे हैं, अपने लिए UMP ढूंढ चुके हैं। दूसरे हाथ में उनके M16 है, दूसरी गन ढूंढना जल्दी से जल्दी चाहेंगे ताकि फाइट प्रॉपरली वो बाद में एंगेज कर सकें। अभी विमनो गेमिंग है और ओके मेरे ख्याल से भट गेमिंग ऑनलाइन शायद आ गए सर, बाहर आके वापस से ऑफलाइन हो गए और विमनो को नहीं पता है कि जो बंदा है वो ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहा है। ये भी ठीक है भाई, भाई आप ऑफलाइन हो जाओ, नहीं ये कर लो तुम ऑफलाइन होते रहो बस। यहाँ पे देखा जाए तो पिकाचू है लूट अप कंप्लीट कर रहे हैं, अपना वेट कर रहे हैं बंदों का। क्यूरियस वेरी उनके साथ लूट अप कर रही है, उनको शायद नहीं पता है कि मयूर और जो उनके टीममेट कार्तिक हैं वो लोग भी यहीं पे हैं। शांति से लूट अप कर रहे हैं, जोन इनको जाना है, गाड़ी इनके पास रहेगी एक ही डायरेक्शन में तो उसमें दिक्कत आ सकती है। नंबर 1 की टीम का एक बंदा यहाँ है, दूसरा बंदा भी यहीं है पर नहीं, दोनों बंदे एक्टिव हैं। मुझे लगा दूसरा बंदा AFK है पर दोनों बंदे फिलहाल हैं एक्टिव तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिलहाल के लिए। यहाँ पे निकाल लिए है अपने लिए या बाइजन विद 6x, उनके पास वो भी है स्कारल भी है, स्कारल में अगर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क कर सकती है।
कुर्किंग अयान जो है अपने टीममेट्स के पास जाना चाह रहे हैं जो कि पोचिंकी के स्क्वाड उसके पीछे चल रहे हैं फिलहाल के लिए। मेन आइलैंड पे ही हैं सारे बंदे और अभी भीमनो गेमिंग के पास है नंबर 50 नंबर टीम का बंदा और वो मेरे ख्याल से ऑफलाइन ही है। मेरे ख्याल उनके बाकी तीन बंदे हो चुके हैं डेड तो उन्होंने शायद एग्जिट कर दिया। और भीमनो को देखिए तो वो क्या कर रहे हैं, वो अभी भी होल्ड करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको अभी दिक्कत नहीं होगी। उनको पर जोन में ज़रूर जाना है। पिकाचू यहाँ पे एक कैम और एम्फो ले के रखे, उनके टीममेट जो है क्यूरियस वेरी अच्छी खासी हीलिंग से रखे, बूस्ट अप कर रहे हैं अपने आप को। जोन के 230 मीटर बाहर है मयूर जो है यहाँ पे रोड पे आ रहे हैं और अगर गलती से फायर इनका हो जाता है तो दिक्कत हो सकती है क्योंकि इनको मेरे ख्याल से लगता है कि नहीं पता है कि आसपास बंदे हैं। क्यूरियस वेरी और पिकाचू जा रहे हैं गैराज की तरफ, गैराज से गाड़ी लेके जोन जाना चाहेंगे, गैराज के पास गाड़ी भी है और मयूर और उसके टीममेट को हो सकती है थोड़ी सी दिक्कत क्योंकि मेरे को लग रहा है इनके पास व्हीकल नहीं है जोन जाने के लिए। अभी तो ठीक है 270 मीटर इनको जोन जाने पर बाद में ज़रूर दिक्कत आने वाली है। क्या ये ऑफलाइन है, अभी भी नहीं है, वापस से ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहे हैं और पीछे आ रहे हैं भीमनो गेमिंग। इनके एक एचपी कर दिया भीमनो ने, क्लियर भी करना चाहेंगे, नहीं पी रहा हूँ। यहाँ पे विमनो कूद के आए हैं और क्लियर कर दिया M16 से बंदे को और सेवर्नी कर लिया है अपने नाम। तीर्थ और गोकू को देखें तो अभी भी होल्ड कर रहे हैं वाटर सिटी के पास। स्नाइपर विथ 4x लेके घूम रहे हैं यहाँ पे, दूसरी इनके पास बैरिल है। गोकू को देखा जाए तो ये भी स्नाइपर चला रहे हैं। जब सोलो और डुओ के जब मैचेस होते हैं तो अगर आप स्नाइपर एक बंदे को पकड़ाते तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है क्योंकि वो एंट्री नॉक निकाल सकता है, आपको फिर पुश करके सिर्फ एक बंदे को संभालना होता है। पिकाचू अपने टीममेट क्यूरियस वेरी के साथ निकल चुके हैं जोन की तरफ। यहाँ पे कार्तिक को देखा जाए तो वो लोग व्हीकल की तरफ अभी जा रहे हैं पर वो व्हीकल तो उनके हाथ से जा चुका है। नंबर 14 की टीम का बंदा ओपन में अभी भी चल रहा है अपने टीममेट के साथ, आगे जाना चाह रहा है। लाइट चालू कर दे। सामने है आईक्यू टॉक्सिक, स्पॉट करना चाह रहे हैं बंदों को सामने स्कूल की तरफ पर वहाँ पे अभी तो कोई भी नहीं है तो इनके एंगल पे फिलहाल कोई भी नहीं आने वाला है। फाइट इनकी हो सकती है स्कूल वाले बंदों से क्योंकि पिकाचू और जो पायल है वो यहीं पे आके रुके हुए हैं। स्कूल पे भी अलग बंदे हैं जो कि नंबर 1 की टीम के जो यहाँ पे होल्ड दिखाते हुए शॉट्स ले रहे हैं M4 से, बताना चाह रहे हैं बाकी बंदों को कि मैं यहाँ हूँ, हम फाइट करना चाह रहे हैं। नंबर 1 की टीम यहाँ होल्ड करते हुए पिकाचू यहाँ पे अपार्टमेंट होल्ड करते हुए पीछे से आते हुए आईक्यू टॉक्सिक स्पॉट करना चाह रहे हैं। उनको साउंड तो जरूर आना चाहिए M4 का, तो बंदे ने चलाई थी एक M4 की गोली। यहाँ पे ब्राउजर कैसे बंद हो गया आई डोंट नो, मेरे ख्याल से स्पॉट किया है एक बंदे को M4 से, AKM से टैप टैप दे रहे हैं, शॉट एंगेज करना चाह रहे हैं, किल अपने लिए निकालना चाहते हैं पर अभी तो फिलहाल कोई भी गोली कनेक्ट नहीं हो पा रही। होलोग्राफिक से शॉट जरूर ले रहे हैं। फ़ोन का चार्जिंग पे लगाया था मैंने पर फ़ोन को लग ही चालू नहीं किया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ओपन में पकड़ा है डेथ को, उनको क्लियर करना चाह रहे हैं, एक गोली भी और लगती तो नॉक हो जाते पर फिल से हील कर लिया और वापस से भाग रहे हैं ओपन से। यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्प्रे डेथ को यहाँ पे क्लियर कर सकता है पर वो भी रिस्पॉन्स में फायर दे रहे हैं, कवर में पहले जाना चाहेंगे। यहाँ पे ओपन वापस से खड़े हो गए, फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे एक HP भी बचे थे और टॉक्सिक ने कर दिया है यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे हील कर रहे हैं क्यूरस वेरी, उन लोग की टीम ने टोटल निकाले हैं अभी तक एक किल और उनके जस्ट राइट पे हैं आईक्यू टॉक्सिक और उनका टीममेट
फिलहाल के लिए वो यहीं पे होल्ड किए हुए हैं, वेट कर रहे हैं बाकी बंदों का। यहाँ पे हम जा रहे हैं शॉर्ट्स एंगेज के, जा रहे हैं टॉक्सिक और उनके टीममेट्स के थ्रू। यहाँ पे पर क्या नॉक निकाल पाएंगे देखना पड़ेगा, क्या यहाँ पे कॉल नॉक निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। शॉर्ट्स तो कंटिन्यूस ले रहे हैं, मयूर भी आ चुके हैं और यहाँ पे आयान हो चुके हैं नॉक, और इनका बचना है बहुत ज़्यादा मुश्किल क्योंकि बहुत ही ओपन में हुए नॉक, बट टॉक्सिक ने दिया है बहुत ही प्यारा कवर फायर, नॉक फिनिश नहीं होने दिया है। ओपन में अभी भी है आयान, इनको थोड़ा सा और अंदर जाने की ज़रूरत है। टॉक्सिक यहाँ रिवाइव करते हुए, 3 सेकंड का रिवाइव बाकी है और उनको एंगल है, अगर राइट लेफ्ट दोनों डायरेक्शन से बंदे मारते तो यहाँ पे क्लियर आउट कर सकते थे क्योंकि बंदे काफ़ी ओपन में थे। बिमनो गेमिंग आ चुके हैं सोलो घर पे, यहाँ पे हील करना चाह रहे हैं, इनके पास फर्स्ट एड तो नहीं है फिलहाल, देखते हैं फाइट क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिमनो निकल रहे हैं अपनी बग्गी लेके, कार्तिक ने नॉक दे दिया है तो स्कूल वालों की भी फाइट हो चुकी है और कार्तिक को पकड़ा है ओपन में। पिकाचू ने नॉक फिनिश तुरंत देना चाहेंगे, सामने उनका साथ देते हुए क्यूरसबेरी छत पे चढ़े हुए हैं, सामने मयूर हैं, रिवाइव करना बिल्कुल भी चांस नहीं देंगे। पिकाचू तुरंत ही ओपन में पकड़ के फिनिश कर देंगे अपने बंदे को। यहाँ पे मयूर को देखा जाए तो वो भी पीक ले रहे हैं, ये पीक आपको भारी पड़ सकता है, आप अकेले बंदे अपनी टीम से बाकी हैं। यहाँ पे बिमनो ने फोरकिंग को नॉक किया है, तो फोरकिंग जो बंदा है भाई उसको तो सभी मार रहे हैं कंटिन्यूस, वो एक ही जगह पे 3 बार नॉक हो चुके हैं अलग अलग बंदे से और बिमनो आ चुके हैं थर्ड पार्टी करने के लिए। टॉक्सिक यहाँ पे रुके हुए हैं, यूएमपी से बहुत ही प्यारा क्लियर किया है बिमनो को और वापस लूटना चाहेंगे एक अपने लिए प्रॉपर वेपन ढूंढेंगे ताकि फाइट ले पाएँ। हार्दिक ऑनलाइन ही नहीं दिख रहा मेरे को, नाइस। यहाँ पे M16 अभी भी इनके पास है पर पिकाचू ने बहुत ही प्यारा स्पॉट किया और तुरंत ही वहाँ पे पिन कर दिया उनको पेड़ पे। आप इतना देर तक ओपन में खड़े रह के पिक करेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। मयूर को देखा जाए तो मिनी है इनके पास और दूसरी AKM का स्कोप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इनकेस अगर स्प्रे की लॉन्ग रेंज ज़रूरत पड़ती है तो भी ज़रूर देंगे। पर यहाँ पे पिकाचू बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते, तुरंत ही ओपन में आते बंदे को पनिश कर रहे हैं। मयूर 1 HP पे हैं फिलहाल, बूस्ट ने उनको बचा लिया है, इनको यहाँ पे फिनिश होने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर टीम तुरंत ही पुश करती है। यहाँ पे मिनी से आप शॉट्स ले रहे हैं, हल्का सा डैमेज भी दिया है पर क्या उतना इनफ है दो बंदे को पुश रोकने के लिए, वो तो देखने वाली बात होगी। मयूर के पास सिर्फ 4 बैंडेजेस है, उनको बूस्ट करके जल्दी से जल्दी स्कूल के अंदर जाने की ज़रूरत है, आप इतना देर तक ओपन में नहीं रह सकते। अगर सामने वाले बंदे किल्स के लिए खेल रहे हैं वो आपको घुस के मारना ज़रूर चाहेंगे, आपको अपना प्रॉपर कवर लेना पड़ेगा फिर ही आप क्लियर कर पाएंगे, तो आपको पीछे तुरंत निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे मयूर पर सेम ही जगह से फाइट लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा एडिया दे रहा है, दूसरा बंदा पुश करना चाह रहा है, पिकाचू ब्रोकन वॉल पे आ चुका है, पुश करना वहाँ से चाहेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे क्यूरसबेरी से कवर। तीर्थ और गोकू अभी भी वाटर सिटी पे होल्ड कर रहे हैं, देखा जाए तो 3 ही टीम है 5 बंदे और हमारा यहाँ चल रहा है सेकंड सर्कल। पिकाचू को देखा जाए तो वो कंटिन्यूस ADS लेके रखे हैं सैक पे, अगर बंदा पीक करता है तो तुरंत ही पनिश करना चाह रहे हैं। मयूर का POV देखते हैं हम लोग, अभी भी सैक पे ही होल्ड कर रहे हैं, अगर इनके पास लकीली एक भी स्मोक होता है तो इनको तुरंत ही पीछे जाना चाहिए क्योंकि अगर बंदा ओपन से भी पुश करेगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे और वैसा ही हुआ। क्यूरस बेरी और पिकाचू ने निकाल लिया यहाँ पे 1v2 का फाइट। तीर्थ और गोकू को देखें तो वो लोग यहाँ पे शांत से चिल कर रहे हैं और क्यूरस बेरी और पिकाचू यहाँ पे घूमने वाले पूरे सर्कल में उनको ढूंढने के लिए। अगर वो स्ट्रीम देख रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूँ, उनको पता तो मेरे ख्याल से 1 मिनट बाद ही चलने वाला है कि बंदे यहाँ पे, आप हो सके तो फाइट एंगेज करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है।
का दिख रहा है इतना कम क्वालिटी में, मतलब स्पीड बढ़ा डिले कम कर, मतलब नहीं समझ में। ऐसा नाइस, ये तू मैन्युअली कर रहे हैं तभी हो रहा है वरना नहीं होता। जोन कट चुका है, गोकू और तीर्थ को जोन जाना है, वो लोग रूइंस में फिलहाल होल्ड कर रहे हैं और पिकाचू लोग को पता चल चुका है कि बंदे इस तरफ है तो वो लोग उसी तरफ जा रहे हैं फाइट लेने के लिए। पिकाचू और क्यूरियस बेरी बंदों को ढूंढना चाह रही है, गोकू इनको देखा जाए तो जोन के बाहर ये लोग होल्ड कर रहे हैं, चिकन डिनर लेने दोनों चाहते हैं टीम्स और पर नसीब में एक के ही रहेगा। जोन में चार ना चाह रहे, दूसरी भी टीम जोन के लिए निकल चुकी है, पिकाचू ये लोग भी जोन जा रहे हैं, इनको लोकेशन पता है बंदों की तो भी रिटर्न वो जोन ही जाना चाह रहे हैं, फाइट को थोड़े देर बाद के लिए एंगेज करना चाहते हैं, अभी तुरंत ही फाइट नहीं लेना चाह रहे। जोन के अंदर आ चुके हैं पिकाचू और ग्यूरस बेरी, गोकू लोग अभी भी जोन के बाहर से ही रोटेशन दे रहे हैं, इनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि भाई पॉइंट्स टेबल कब अपडेट होगा 3 PM टूर्नामेंट का, कल सुबह तक भाई 6x का ग्लिच आपके साथ ग्लिच हुआ और उसकी वजह से डेथ हो गई, ख़राब लगा आपके लिए। पॉइंट टेबल कल तक हो जाएगा पूरा, जो ओवरऑल लीडर बोर्ड है ना वो पूरा आपको बन के कल सुबह तक मिल जाएगा, कल दोपहर तक मिल जाएगा। यहाँ पे गोकू उतर चुका है और क्यूरियस बेरी की टीम भी पास में ही है, मेरे ख्याल से दोनों टीम्स को पता है कि यहाँ पे बंदे हैं, यस तीर्थ को भी पता है, सामने पिकाचू को ओपन में पकड़ा है, डीपी से डैमेज देना चाह रहे हैं और पिकाचू 1 HP पर से और उनको नॉक दिया गया है, क्यूरियस बेरी के लिए हो चुका है अब 1v2 का सिचुएशन और उनको ओपन में जाके अपने टीममेट को भी बचाना, या स्मोक तुरंत पॉप करना चाहिए पर इनके पास स्मोक कभी होता नहीं है, लकीली आज एक स्मोक है, कितने स्मोक है और देखना चाहेंगे, 2 स्मोक किए हैं जिसका कोई भी यूज़ नहीं होने वाला, 1 स्मोक किया है प्रॉपर, अभी चौथा जो स्मोक है वो इन्होंने किया है प्रॉपर, 2 पहले के स्मोक वेस्ट कर दिए। ये कल फाइट लेंगे, फाइट भाई क्या बोलूँ, ओपन में जाके खड़े हैं, वो स्मोक भी प्रो जैसे कर रहे हैं, सामने से ओपन में आके बंदे मार गए, तो इस मैच के विनर है गोकू और तीर्थ और यहाँ पे हम अपना इवेंट जो है वो ख़त्म करते हैं। अभी अगर आप लोग को खेलना है तो मैं एक ओपन TDM रूम बना देता हूँ, ओपन 12 पर, उसका कोई प्राइज नहीं होगा, वो जस्ट फॉर फन रहेगा, नहीं मैं नहीं बना सकता हूँ सॉरी, मेरे को जाना है अभी 5 मिनट में, मेरे को दूसरी स्ट्रीम करने जाना है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जो भी विनर है वो अपना प्राइस क्लेम अगर करना चाहता है तो फिर वो DM कर लें mythical_garuda पे अपने SS के साथ। भाई नूब भाई पायल भाई नूब, एकदम निहायती नूब, और मेरे पास 5 मिनट है और मुझे 5 मिनट में जाना है, तब तक हम कर सकते हैं बात।
लोको पे अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लो मेरे से, मैं बता देता हूँ। और हमको रूम यहाँ पे क्रिएट करना है, यहाँ पे फाइल को आवाज़ तो आएगी स्ट्रीम से पर उसमें डीले भाई पूरा एक मिनट का होने वाला, तो फिर कोई मतलब नहीं है। अच्छा मेरे को स्ट्रीम बंद करनी है अभी के लिए, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस से स्ट्रीम चालू कर रहा हूँ पर वो डायरेक्ट टैबलेट के थ्रू होगी।